गुड 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 मॉर्निंग। आज अपना है फंटास्टिक फ्राइडे, फ्राइडे नॉलेज सेशंस। आई होप तुमको बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल रहा है अलोंग विद थ्योरेटिकल नॉलेज। यार हम लोग थ्योरेटिकल नॉलेज तो काफ़ी सारा करते हैं, बहुत सारे बुक्स तो पढ़ते ही है, प्लस आफ्टर वॉट एवर कोर्सेज यू आर डूइंग सी ए सी एस एक्सेट्रा, स्पेशली सी ए वाले में है ना, सी ए आफ्टर इंटरमीडिएट, तो तुमको आर्टिकलशिप भी करना ही है, तो वहाँ पे तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज तुमको तो आ ही जाएगा मेरे दोस्तों, है कि नहीं। बट वाई टू वेट, वाई टू वेट फॉर योर आर्टिकलशिप। तो लिटरली जब मैं क्लासेस हम लोग लेते थे, जब लाइव क्लास बैच टू बैच है ना, तो जितने भी हमारे फॉर्म्स है, मतलब अगर कंपनी लॉ की बात करूँ, वॉट एवर फॉर्म्स वी हैव आई एन सी, एम जी टी, सी एच जी, डिपॉजिट, मेंबर्स वाला रहेगा, जो भी रहेगा फॉर्म्स, ऑल द फॉर्म्स हैज टू एक्चुअली शो इन द क्लास। मतलब मान लो एम ओ एल, रियल एम ओ ए, रियल ए ओ ए, रियल तुम्हारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑल ऑफ, इवन इनफैक्ट फॉर दैट मैटर डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर, ये सब लोग हम लोग क्लास में दिखा, मैं तो दिखाते ही दिखा दूँ, बिकॉज यू नो तुमको तो वो प्रैक्टिकल फील आना चाहिए कि भाई हाउ इट एक्चुअली हैपन्स। सो आई विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग, आई होप ऑल ऑफ यू आर ग्रेट, अमेजिंग, एंड यू आर चार्ज अप फॉर दिस सेशन, क्योंकि आज आने आने वाले हम लोग विद प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑफ एम सी ए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, विच इज अ पार्ट ऑफ योर कंपनीज एक्ट सिलेबस। तो कंपनीज एक्ट ऑब्वियसली तुमको सी ए फाउंडेशन में है, सी ए इंटरमीडिएट में काफ़ी डिटेल में है, सी ए फाइनल पर भी है, उसके आगे के लेवल पे है, सी एस कोर्सेज में है, सी एम ए में है, तो देर आर मेनी, इवन रादर तुम्हारा नॉर्मल ग्रेजुएशन ऑफ कॉमर्स में भी ये आ ही जाता है। दस रियल यू कैन सी द बिगिनिंग ऑफ, और कैन सी जस्ट अ स्मॉल एक्सपोजर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट तो पक्का है। तो अगर तुमको इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट है बच्चों, अगर कंपनीज एक्ट है, तो वाई नॉट लुक बियॉन्ड द बुक्स, वाई नॉट लुक बियॉन्ड द थ्योरेटिकल नॉलेज, है ना यार। प्रैक्टिकल अगर पता है अपने को, सो ऑब्वियसली थियोरेटिकल बिकॉज सो सो इजी, इजंट इट। सो दैट इज आर यू कैन सी इंटेंशन फॉर टुडे। सो लेट मी सी अ क्विक गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर प्रेजेंट टुडे, टुडे टुडे कौन कौन आ चुका है बच्चों, देखते हैं। तो है कल्पू, सबसे पहले है कल्पू, मधु इज देयर, गुड मॉर्निंग मधु, कल्पू, साक्षी गुड मॉर्निंग, गुरिया मतलब वर्तिका, वर्तिका नहीं वर्णिका गुड मॉर्निंग, रिचा गुड मॉर्निंग, मनोज भाई गुड मॉर्निंग, जोशी भाऊ, आकांक्षा, यामिनी, शिवानी, श्रेयसी, आदित्य भाई गुड मॉर्निंग, दिनेश भाऊ नमस्कार, संयुक्ता नमस्कार, चिन्मय भाई भाई, सुप्रभात महोदय महाशय, सुचित्रा गुड मॉर्निंग, सुचित्रा न्यू है क्या, दूत ने मैसेज रिट्रैक्ट कर लिया, सो आई अज्यूम इट्स गुड मॉर्निंग, हरी कृष्णन गुड मॉर्निंग, हरी कृष्णन वेर आर यू फ्रॉम, आई एम गुड, गुड़िया, तेजू, यश गुड मॉर्निंग, आई थिंक यश तुम आ चुके थे कल परसों, वेरी गुड, ओके हेलो दूत। सो आई होप यस ऑल ऑफ यू आर चार्ज एंड रेडी कि हमको कुछ ना कुछ अलग यहाँ पे देखना है, इजंट इट। यस इवन फॉर दैट मैटर इनकम टैक्स की मैं अगर बात करूँ, इनकम टैक्स तुमको सी ए इंटरमीडिएट में आएगा, मतलब अगर कोई फाउंडेशन के स्टूडेंट देख रहे हो या फिर सी एस के स्टूडेंट देख रहे हो, तो इनकम टैक्स विल ऑल्सो भी देयर। तो इवन इनकम टैक्स में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं देखने के लिए, बट इनकम टैक्स विल कीप दैट, आई मीन डिपेंड्स तुमको चाहिए या नहीं चाहिए, तो तुम्हारे लिए है यार। इफ यू टेल मी कि सर लेना है, ऑब्वियसली विल टेक अप इनकम टैक्स ऑल्सो फॉर दम, फॉर सम अदर सेशन, है ना। तो ऐसे हमको कुछ ना कुछ ऐसे छोटे मोटे सेशन रखने हैं, सो दैट वी अंडरस्टैंड, वी नो वी कि हम लोग यार इसके भी बाहर भी एक दुनिया है आगे जाके, मतलब बोलते ना कि यार, जैसे आई थिंक कुछ कुछ टीचर भी बोलते हैं कि अगर कोई डॉक्टर है और डॉक्टर ने कोई, मतलब मान लो कोई पर्टिकुलर क्लास अटेंड नहीं किया, तो डॉक्टर बोलेगा कि उसके पेशेंट को, अरे सॉरी पेशेंट आई कैन नॉट डू दिस वर्क क्योंकि मैंने मेरे क्लासेस में, कॉलेज में ये पर्टिकुलर लेक्चर छोड़ दिया था, चलेगा क्या? ओनली थियोरेटिकल नॉलेज से हो जाएगा कि डॉक्टर का काम? बिल्कुल भी नहीं। सिविल इंजीनियर्स का काम हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जस्ट बेस्ड ऑन थियोरेटिकल नॉलेज होता ही नहीं है, इसलिए उनको बॉडी लगती है ना डाइसेक्शन करने में, है कि नहीं। तो देर हैज़ टू बी समथिंग प्रैक्टिकल, इसलिए अपने पास आर्टिकलशिप का भी प्रोविजन है, दैट विल बी देयर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर आर्टिकलशिप, लेट अस टुडे, आज हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट सब कुछ अवेलेबल है, तो क्यों ना हम लोग भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाई करें प्रैक्टिकल, है ना। तो हरी कृष्ण से जी सम करेला, वेरी गुड, आज हमने श्रेयस सर बात है, आज हमने श्रेयस सर बात करे, मतलब क्या? नो सर आई एम ज्वाइन फ्रॉम टू चैप्टर, सेकंड चैप्टर से है। राधे राधे अभिषेक जी, राधे राधे, मुकु श्वेता गुड मॉर्निंग, मुकु नाय गुड मॉर्निंग, या यश यार जो चलता है तो उसमें कुछ बोल दो ना यार, तुम्हें तीसरा टॉपिक लेके आते हो यार, व्हाट इज दिस? टीडी के गुड मॉर्निंग, गरिमा पावर गुड मॉर्निंग, ऑल राइट। तो गाइज विल स्टार्ट विद टुडे, यस टुडे विल स्टार्ट विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एम सी ए, राइट। जो कंपनीज एक्ट कर रहे हैं बच्चों, दोज ऑफ यू डूइंग कंपनीज एक्ट, यू आर अवेयर की यू आज ना गुड मॉर्निंग, एंट्रेंस वाले तुमको है ना, तनिष फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफ एम में है ना तुमको, प्रांजलि गुड मॉर्निंग, राजकुमार गुड मॉर्निंग, राज, ड्रीम क्या होता है? अच्छा ड्रीम के बारे में, ऑल राइट, ड्रीम के बारे में बात हो रही है, चलो
बढ़ते हम लोग आगे गाइस। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वेन एवर वी स्टार्ट विद कंपनीज एक्ट, ओके, अदरवाइज लेट अस से वी स्टार्ट विद इनकम टैक्स। तो मैं हमेशा बच्चों को वेबसाइट्स लिखाने को बोलता हूँ। दोज ऑफ यू माई एक्चुअल रेगुलर बैच स्टूडेंट्स, इनको पता ही होगा, वेन वी स्टार्ट विद कंपनीज एक्ट हम लोग एक वेबसाइट का नाम लिखते हैं www.mca.gov.in। और जब हम लोग इनकम टैक्स लिखते हैं शुरू करते हैं तो हम लोग एक दो वेबसाइट लिखते हैं एक्चुअली, www.incometaxindia.gov.in, ये एक वेबसाइट है, और दूसरा www.incometaxindiafiling.gov.in। तो इनकम टैक्स विल बी सेपरेट लेक्चर्स, वो सेपरेट होगा। आज हम लोग फोकस करेंगे ऑन कंपनीज एक्ट, देयर फॉर MCA। ऑब्वियसली मैनी ऑफ यू वुड बी अवेयर MCA इज योर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सो मिनिस्ट्री है तो तुम्हारा गवर्नमेंट में वो डिपार्टमेंट है। सो टुडे लेट अस बिगिन विद MCA। एवरीवन रेडी? यस। तो क्या क्या देखने वाले हैं हम लोग आज यार बच्चों, है ना? सो MCA 21 भी कुछ कुछ बोलते हैं मुझको स्टूडेंट्स की, सर पहले MCA 21 हुआ करता था। आंसर इज करेक्ट। सम ईयर्स बिफोर उसका जो लॉ जो था, URL जो था, उसका जो ID था, इट वॉज MCA 21। तो वो भी तुमको दिखा देता हूँ मैं, इसलिए मेरे पास भी स्टार्टिंग में MCA 21 दिख रहा है यहाँ पे। तुमको दिख रहा है सभी को MCA 21.gov.in, ओके? और अगर देखोगे, कैन यू सी एवरीबडी, अगर तुम ऊपर देखोगे MCA.gov.in एंड MCA 21.gov.in एक ही बात है, ओके? इट इज द सेम एंड वन एंड द सेम थिंग, राइट एलिया? ओके फाइन। मुकु यश कितना बहुत रोता है, यश तो बहुत रोता है यार, बहुत रोता है। ज्योति संयुक्त नमस्कार, अच्छा ये सब गुड मॉर्निंग ही था। सुपर रेडी है, सुपर रेडी अन्ना, शुभम सैनिक गुड मॉर्निंग। तो हम लोग जाएंगे बच्चों फिर MCA.gov.in चलेगा, और एक खुद का प्रमोशन यहाँ पे चालू हो जाता है। तो जो भी गवर्नमेंट रहता है वो खुद का प्रमोशन चालू कर देते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये वो एंड ऑल ऑफ दैट। आफ्टर ऑल द गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, प्रमोशन थोड़ी चेंज होता है। तो गवर्नमेंट खुद का तो प्रमोशन करने ही वाली है। एवरीवन रेडी? सो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इट इज अ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो रेगुलेट करता है कंपनी लॉ को, ओके? तो न्यू टू MCA, तुम पहली बार आए हो तो एक बार देख लेते, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट MCA। सो MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, रेगुलेट्स कॉर्पोरेट अफेयर्स इन इंडिया थ्रू कंपनीज एक्ट 1956। कुछ कुछ अभी भी प्रोविजन 1956 चल रहे हैं ना, 2013 एंड अदर अलाइड या फिर रिलेटेड एक्ट्स, बिल्स एंड रूल्स, ओके? तो मैं तुमको रूल्स के बारे में भी बता चुका हूँ, दोज ऑफ यू हैव लर्न लॉ फ्रॉम मी, स्पेशली सी इंटरमीडिएट के लिए, ओके? ऑल राइट। MCA ऑल्सो प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर्स, मतलब जैसा सेबी प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स, वैसा MCA ऑल्सो, ओके, इन्वेस्टर्स एंड ऑफर्स मेनी इंपॉर्टेंट सर्विसेज टू स्टेक होल्डर्स, मतलब जो भी रहेंगे ओनर्स, बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज, एम्प्लॉइज एंड ऑल ऑफ दीज पीपल। दिस साइट इज योर गेट वे टू ऑल सर्विसेज, गाइडेंस एंड अदर कॉर्पोरेट अफेयर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो तुम्हारे CA इंटरमीडिएट में या फिर इवन फाउंडेशन में जो भी कंपनी लॉ का तुमको सिलेबस है, CA फाइनल में भी, एवरीथिंग प्रैक्टिकली ये वेबसाइट पे होता है, एंड वी विल सी दैट। मतलब एक तो बेसिकली एक सेशन में पूरा हो जाएगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हम लोग बहुत कुछ अंदर घुस के देखने वाले हैं। तो आज थोड़ा सा मतलब बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट MCA कि MCA एक्चुअली क्या क्या काम कर सकती है, ओके? सो आई क्लिक ऑन अबाउट MCA, ओके? मैंने क्लिक किया है किसके ऊपर? अबाउट MCA के ऊपर। अमित अग्रवाल गुड मॉर्निंग, नैना गुप्ता जी गुड मॉर्निंग। सो अबाउट MCA बच्चों, ओके, डिपार्टमेंट तुम्हारा करता क्या, जैसे तुम्हारा इनकम टैक्स में CBDT होता है वैसे तुम्हारा कंपनी लॉ के लिए रहेगा MCA। आज तो इतने मजेदार है बच्चों कि मतलब क्या बोलूं मैं, आई एम लिटिल बिट यू कैन से एक्साइटेड कि अंदर घुस घुस के हमको कुछ ना कुछ चीजें दिखनी है। अभी किसके अंदर क्या घुस के देखने वाले वो आगे आएगा, ओके? बट यू बी रेडी कि तुमको कौन से कंपनीज के बारे में क्या क्या देखना है, यू बी रेडी। तुम्हारे दिमाग में कोई अच्छे नाम हो ना, फेमस कंपनीज के नाम सोच के रखना, तो बाद में हम लोग बाद में आई विल आस्क यू इन लाइव चैट, तो तुम उसको कंपनीज के नाम बताना, वी विल चेक द बेसिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, ओके? तो हम लोग करेंगे यार, हम लोग कीड़े तो पक्का करेंगे, ध्यान देना। सो अबाउट MCA, द मिनिस्ट्री इज प्राइमरीली, मैं थोड़ा सा फास्ट लूंगा इसमें, इज कंसर्न विद एडमिशन ऑफ कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट तो तुम्हारा है ही, कंपनीज एक्ट पुराना वाला, LLP ऑल्सो, ये ध्यान देना। दोज ऑफ यू आर लर्निंग CA इंटरमीडिएट लॉ फ्रॉम, याद आ रहा है आई हैड कंपेयर्ड, मैंने क्या क्या कंपेयर किया था याद आ रहा है? प्रोपराइटरशिप, HUF योर रेगुलर पार्टनरशिप जो तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, देन LLP याद आ रहा है, एंड देन कंपनी। फिर मैंने तुमको क्या पूछा था, वाई LLP इज बेटर देन योर स्टेट गवर्नमेंट दिस फर्म्स पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि LLP इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय MCA, एंड इवन ऑब्वियसली कोई भी कंपनी इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय, रेगुलेटेड कंट्रोल्ड, कंट्रोल मतलब रेगुलेटेड बाय MCA। मतलब क्या होगा, आज जाके कोई भी प्रोपार्टनरशिप या फिर नॉर्मल सादा पार्टनरशिप फर्म, यू कैन नॉट फाइंड कि उसकी डिटेल्स कहाँ पे है या नहीं है, प्रॉपरली नहीं फाइंड कर सकोगे,
ओके प्रॉपरली, बट अगर एलएलपी है या फिर कंपनी है, सिंस इट इज रेगुलेटेड बाय एमसीए, ये वेबसाइट पे हम लोग आज वही देखने वाले। आज कोई भी इंडिया का को कोई भी एलएलपी, आज इंडिया का को कोई भी कंपनी के हम लोग बेसिक डेटा यहाँ पे पक्का चेक कर सकते हैं, राइट। ओके, रिलायंस, टाटा, टाटा तो आज अपने सेशन में है ही है। आज बहुत जबरदस्त सेशन है, तुमको बोल रहा हूँ मैं बच्चों, कि कोई कोई लोगों के बहुत बेसिक्स हिलने वाले हैं। ओके खुशबू, गुड मॉर्निंग। मनोज जोशी, तुमको मैं गुड मॉर्निंग कर चुका हूँ सर, जब से गुड मॉर्निंग बोल रहा है हम। नमस्ते राधे, राधे का ही रिप्लाई नहीं, नमस्ते राधे राधे, राधे राधे मैंने किया था अभिषेक भाई, तुम्हारा ध्यान नहीं था। इन्फी, टीसीएस, रिलायंस, ऑल राइट मनोज, यस आई हैव सीन योर मैसेज, चिल नाउ, रिलैक्स, ओके एवरीवन, ओके। समझा कि नहीं समझा सभी को, राइट। एंड रूल्स द फ्रेम देर वगैरह वगैरह, मेनली रेगुलेटिंग फंक्शनिंग एंड ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। मतलब तुमको मैंने बताया था कि अगर मेरे को किसी के साथ बिजनेस करना है और दैट पर्सन टेल्स यू कि वो सर प्रोप्राइटर है, तो तुम शायद उतना कॉन्फिडेंस नहीं हो तो डू बिजनेस विद हिम। बट इफ ही सेज ही इज अ कंपनी और ही इज अ एलएलपी, मे बी यू आर लिटिल बिट कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग बिजनेस विद हिम, बिकॉज यू कैन चेक हिज बिजनेस डिटेल्स ऑन एमसीए वेबसाइट फॉर फ्री, अदरवाइज इट इज एक्चुअली फ्रीली अवेलेबल, है ना। ये अमित अग्रवाल, किंग फिशर, किंग फिशर इज अ ब्रांड माय बॉय, किंग फिशर इज अ ब्रांड, तो ब्रांड में मत जाओ। मैकडोनल्ड्स बोलो ना यार, मैकडोनल्ड्स बोलो, मैकडोनल्ड्स नहीं, मैकडोनल्ड्स बोलो और डोमिनस भी बोलो, वो भी चेक कर सकते हैं हम लोग, है ना। ऑल राइट, आगे, द मिनिस्ट्री इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ये चेक करना। तो और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एमसीए की, टू ऑल्सो इम्प्लीमेंट और टॉक अबाउट कॉम्पिटिशन एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है इंडिया में, ओके, टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन द कॉम्पिटिशन। कुछ तुमको रेगुलर न्यूज पता है कल परसों के बारे में, या फिर टूडेज न्यूज अबाउट कॉम्पिटिशन, नॉट इन इंडिया, इन यूएसए समथिंग इज हैपनिंग और कुकिंग टुगेदर अगेंस्ट ऑल द टेक जायंट्स और आईटी जायंट्स। वो चार पांच कंपनीज के एक साथ, मतलब उनके लिए यू नो दे आर हैविंग दैट पर्टिकुलर सेशंस। आई थिंक उसमें गूगल है, एप्पल है, तुम्हारा फेसबुक है, अमेजोन है, ओके। ये चार पांच कंपनीज उनके अगेंस्ट, मतलब ये लोग कांग्रेसमैन ऑफ द यूएसए दे आर फॉर्मिंग अ पर्टिकुलर कमिटी कि तुम लोग तुम्हारे कॉम्पिटिशन को कंप्लीटली मार देते हो। तो इट इज वेरी नेसेसरी। अगेन इफ यू गो इन टू हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इन द 90s, ओके, इन द अर्ली 1990s में द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को ब्रेक करने की कोशिश की गई थी, उसको ब्रेक किया था ताकि वो इतना बड़ा हो चुका था, इतना जायंट हो चुका था कि लोकल आईटी कंपनीज दे वर नॉट सर्वाइविंग। सो दैट इज द रीजन कि हमको कॉम्पिटिशन एक्ट की जरूरत पड़ती है। आज की तारीख में रिटेलर्स इन इंडिया, वो ऑब्वियसली अमेजोन को बुरा ही बोलेंगे, फ्लिपकार्ट को बुरा ही बोल रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट, अमेजोन और फ्लिपकार्ट आर नॉट अलाउिंग द कॉम्पिटिशन टू सर्वाइव। तो कोई भी नॉर्मल मार्केट में कॉम्पिटिशन होना बहुत जरूरी है, कंज्यूमर्स के पास चॉइस होना बहुत जरूरी है, इजंट इट राइट। कल बोल रही लाइक करो बिरला गुरिया, ओके बिरला इंडस्ट्रीज, नो प्रॉब्लम। नमस्ते सर जी, अभी आपको ऑडिट नहीं पड़ेगा भारी, बच्चों कंप्लीट द सेंटेंस, अभी आपको ऑडिट नहीं पड़ेगा भारी, कंप्लीट द सेंटेंस, और मस्त गुड मॉर्निंग करिए कीजिए, है ना। अभी हमको ऑडिट नहीं पड़ेगा भारी, क्योंकि हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास है, यस भंडारी सर, है ना, ऑडिट के सर हमारे बहुत अच्छे सर है, भंडारी सर, इजंट इट, यस सर। तो लॉ ऑडिट सर, लॉ भी तो पढ़ाते हैं, तो इनको वही सर मैं एमसीए दिखा रहा हूँ, एमसीए का वेबसाइट, क्या बात है, यस अगर आपके साथ है, जयेश भंडारी, ओके सर, चलो, थैंक यू फॉर कमिंग सर, थैंक यू फॉर कमिंग, रियली गुड टू सी यू सर, योर, थैंक यू सर। शांभवी सिंह को प्लीज कोई तो गुड मॉर्निंग करो, उसको जगाओ, शांभवी सिंह को क्या चल रहा है करके। पंकज जा गुड मॉर्निंग, क्योंकि हमारे पास है एमसीए की तैयारी, ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कॉम्पिटिशन का समझा तुमको, और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, आईसीआई रिपोर्ट्स टू एमसीए, अदरवाइज यू कैन से एमसीए ऑल्सो कंट्रोल्स और गवर्न्स आईसीएआई, आईसीएसआई, ओके तुम्हारा कंपनी सेक्रेटरी, एज वेल एज और एक आईसीए जिन्होंने अपना नाम यूज कर लिया है यहाँ पे, तो जाने दो उसके ऊपर जोक नहीं करेंगे हम, मतलब चलो रिसर्च स्टिल ऑर्गेनाइजेशन ना, तो कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट्स है, उनको भी रेगुलेट करता है एमसीए, ओके। तो कुछ कुछ कभी कभी होता है ना कि प्रोटेस्ट होते हैं आईसीए के अगेंस्ट या फिर जो भी है, तो कुछ 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 लोग वो एमसीए तक लेके जाते हैं कि भाई बताओ आईसीए को क्या करना क्या नहीं करना। एज वेल एज द मिनिस्ट्री ऑल्सो इज रिस्पॉन्सिबल कैरिंग आउट फंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, ओके, देन कंपनी डोनेशन टू नेशनल फंड्स एक्ट 1951 और सोसाइटीज रेगुलेशन एक्ट 1980। सो कुछ ना कुछ तुम्हारे और एक्ट है सर, आपके साथ टूर पे ही है हमें, हम भी, क्या बात है सर, आइए सर, ऑल राइट, यस। तो ये तुम्हारे छोटे से बेसिक फंक्शंस है, मतलब
रोल है अबाउट योर एमसीए। अभी हम लोग देखेंगे कि सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, ओके, अभी एक थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूँ फ्रॉम सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, इवन इफ यू आर फाउंडेशन स्टूडेंट्स अदरवाइज इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। मैंने तुमको ये करवा के दिया भी था, मैंने तुमको ये करवा के दिया भी था कि भाई ये चेक करो। मैं हम लोग होम पेज पे है, अभी ध्यान देना है ऑन होम पेज। एंड थोड़ा सा मैंने नीचे स्क्रॉल करके क्या देखा, यहाँ पे ई बुक्स दिख रहा है सभी को, ई बुक्स, ई बुक कंपनीज एक्ट 2013, समझा सभी को, राइट? मैंने उसके ऊपर क्लिक किया। अभी ध्यान देना, तुमको कंपनीज एक्ट है, तुम्हारे फाउंडेशन के सिलेबस में रहेगा, इंटरमीडिएट का कहीं भी रहेगा, तुम क्यों फिर टीचर की बुक पे रिलाय करोगे अगर तुम्हारे पास एकदम फ्रेश रेडीमेड इंफॉर्मेशन हमेशा अवेलेबल रहेगी, है ना यार? सब्जेक्ट ऑफ लॉ इज सो डायनामिक यार कि क्या बोलूं, हर 6 महीने में मतलब कभी भी कुछ भी नोटिफिकेशन आ जाए, ये रूल चेंज हो गया, ये डेज चेंज हो गया, ये प्रोविजो ऐड हुआ है, ये कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट हुआ है, कभी फ्यूचर डेटेड है, प्रोस्पेक्टिव है, कभी रेट्रोस्पेक्टिव है विद इफेक्ट फ्रॉम, है ना? तो चेंजेस होते रहते। तो यहाँ पे तुम्हारा कंपनीज एक्ट है, दिख रहा है तुमको बेसिक्स एक्ट दिख रहा है यहाँ पे, कंपनीज एक्ट, मैंने थोड़ा जूम इन किया है, उसके कंपनीज रूल्स भी है, एवरी वन कैन सी और नॉट, एवरी वन कैन सी कंपनीज रूल्स भी है, करेक्ट? तो शायद तुम लोगों के तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कहीं ना कहीं देखा रहेगा कि कंपनीज रूल्स, कंपनीज एक्ट का ये सेक्शन, है ना? तो कब वो कौन से डेट से इफेक्टिव है, ओके, और उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन या फिर सर्कुलर्स भी है, यस? तो अगर तुम सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हो तो आई थिंक तुमको एमओए एओए तक कुछ ना कुछ सिलेबस है, इवन फॉर दैट मैटर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी भी तुमको है, समझ रहे हो, जो तुम्हारा आता है एक्चुअली चैप्टर नंबर 2 में, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। सम ऑफ यू आर एक्चुअली, अगर तुम लोगों ने मेरा लेक्चर किया था ओपीसी का, स्मॉल कंपनी का, सब्सिडियरी होल्डिंग का, तो वो तुम्हारा चैप्टर 1 के डेफिनेशन में आ जाता है, ओके, प्रिलिमिनरी में। चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी यहाँ पे दिख रहा है सभी को, एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू, वहां पे चेक करो, इवन फॉर फाउंडेशन स्टूडेंट्स ऑल्सो, ओके। कौन कौन है भाई? सर टैक्स इज ऑल्सो वेरी दाने। अरे भाई रेहान मैं क्या बोलू, इनकम टैक्स से ज्यादा तो जीएसटी है। वी आर ऑन चैप्टर 2 फिलहाल, आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्रॉम सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। दिख रहा है फाउंडेशन के बच्चों यहाँ पे तुमको, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी दिखा, एमओए दिखा, आर्टिकल्स दिखा, इजंट इट, इजंट इट? और हम लोगों ने कल एक लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन 8 भी किया था, तुम्हारा नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज होता है ना तुम्हारा, इजंट इट, कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। तो वेन एवर एवर यू हैव डाउट कि भाई लॉ में एक्चुअली क्या है, कम टू द मेन सोर्स, कम टू द मेन सोर्स, समझ रहे हो? और यहाँ पे इसको बुक मार्क करके रखो, मतलब तुम्हारा हमेशा ये काम में आएगा। दैट वॉज फ्रॉम सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू ओनली राइट नाउ, ठीक है? अभी तो हमको देखने हैं और इंटरेस्टिंग चीज है, तो मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है? आई एम नाउ क्लोजिंग दिस पर्टिकुलर टैब। आ गए फिर से हम लोग ऑन द होम पेज। तो ऑब्वियसली यार तुमको अगर शायद पता होगा, कंपनी अगर तुमको इनकॉर्पोरेट करना है, कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट करना है, एलएलपी अगर तुमको इनकॉर्पोरेट करना है, इट इज 100% ऑनलाइन वर्क, इट इज 100% ऑनलाइन वर्क। और पूरा वर्क कहाँ पे होता है? इट इज ऑन दिस वेबसाइट। तो आगे जाके गाइस, अगर तुमको कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, इट कंप्लीटली हैपेंस ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। यस पंकज, वो भी थोड़ा थोड़ा हम लोग टचअप करेंगे, डोंट वरी यार, मतलब वी कैन नॉट कवर द एंटायर वर्ल्ड इन जस्ट वन सिंगल लेक्चर अदरवाइज सीरीज, तो बहुत कुछ है यहाँ पे। दिख रहा है तुमको कुछ बच्चों, रजिस्टर अ न्यू कंपनी, रजिस्टर अ न्यू एलएलपी। तो शायद तुमको कंपनी के बारे, एलएलपी एक्ट भी पढ़ रहे हो तुम लोग फाउंडेशन में, येस और नो? तो मैंने इसको राइट क्लिक किया, ओपन एन न्यू टैब, और एलएलपी भी अगर चाहिए तुमको, राइट क्लिक किया, ओपन एन न्यू टैब। एवरीवन हैप्पी टेल यू, समझ रहे हो? यस, ओके अमित, थैंक यू। तो ऑब्वियसली तुमको क्या बोलेंगे यार ये लोग कि भाई क्या क्या स्टेप्स है टू इनकॉर्पोरेट कंपनी, क्या क्या स्टेप्स है टू इनकॉर्पोरेट एंड एलएलपी। इन्होंने कुछ वीडियो भी दे दिया है, चलो इसको अपन बाद में देखेंगे, नो प्रॉब्लम, ओके सर, हम लोग इसको बाद में देखेंगे। बहुत बड़ा वीडियो देखे रखा है स्पाइस फॉर्म का। स्पाइस तुम्हारा होता कौन सा वाला? सिंप्लीफाइड परफॉर्मा ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, वो मैं तुमको बताऊंगा, हैव पेशेंस, ओके, थोड़ा सा पेशेंस रखो। यस, तो स्टेप्स टू रजिस्टर अ न्यू कंपनी, हमको यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे, वो बाद में, इट विल बी एंटायर सेशन ऑन हाउ टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, भाई स्टार्टिंग में क्या, फिर क्या, फिर कौन से फॉर्म से क्या, एंड ऑल ऑफ दैट, बहुत सारा है। तो हम लोगों ने बच्चों ध्यान देना, हम लोगों ने लिटिल बिट बेसिक्स अबाउट एमसीए वेबसाइट का देख लिया हम लोगों ने, यस, ओके। एक्ट्स एंड रूल्स तो चेक करो, यहाँ पे बहुत सारे एक्ट्स एंड रूल्स तो है ही, कंपनी एक्ट है, एलपी एक्ट है, रेगुलेट तो करता है ना, आईबीसी है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड है, कॉम्पिटिशन तुम्हारा सीए सीडब्ल्यू एस सीएस के बहुत सारे यहाँ पे, हाँ या ना, करेक्ट लियो? जो लोग ऑब्वियसली सीए कर रहे हो तुमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में तो पता ही होगा, यस। तो कंपनीज एक्ट में वो सेक्शन है कि भाई कंपनीज के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी तो हेल्प करना चाहिए ना, यस। और फिर अगर तुम यहाँ पे लॉग इन वगैरह करते हो, तुमको तुम्हारे वहां पे एक पोर्टल मिल जाएगा, मैं उसको फिलहाल अभी तो लॉग इन नहीं करूंगा, बट थोड़ी देर में करूंगा। बट चेक एमसीए में तुमको फिलहाल बस एक ब्रीफ दे रहा हूँ, हम लोग क्या क्या देखने वाले, बहुत सारी चीजें देखने के लिए, बहुत सारी चीजें। एमसीए सर्विसेस, बाप रे,
यू सी द स्क्रीन गाइस? कैन यू सी द स्क्रीन? तो एमसीए सर्विसेज में, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट सर्विसेज में हम लोग क्या क्या देखेंगे? अक्वायर डीएससी. डीएससी तुम्हारा होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट. डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, है ना. बाद में मास्टर डेटा, ये अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाले. व्यू कंपनी और एलएलपी मास्टर डेटा. व्यू इंडेक्स ऑफ चार्जेस, कौन सा चार्ज, मतलब तुम्हारा चैप्टर 6 है कंपनी लॉ के, इसमें सी इंटरमीडिएट के सिलेबस में भी, कि अगर तुम कुछ अगर लोन लेते हो तो कोई असेट्स के अगेंस्ट वो चार्ज होता है, चार्ज. ओके, इट्स लाइक एन सिक्योरिटी उसके लिए. व्यू सिग्नेटरी डिटेल्स, मतलब तुम्हारा एनुअल रिटर्न, तुम्हारा बाकी के रिटर्न्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन साइन करेगा, तो तुम्हारे डायरेक्टर्स कौन है कंपनी में, दैट विल बी डिक्लेयर और दैट कैन बी सीन ओवर देयर सिग्नेटरी डिटेल्स. और बाकी बहुत सारे चेक, बहुत सारे, कितने सारे रिपोर्ट्स हम लोग चेक कर सकते हैं यार. व्यू कंपनीज डायरेक्टर्स अंडर प्रोसिक्यूशन, किसके अगेंस्ट केस चल रहे हैं. ओके, कंपनीज एलएलपी रजिस्टर्ड लास्ट 30 डेज. कुछ स्टैटिस्टिक्स अभी मिलेगा ना हमको कि ऑन एन एवरेज हर महीने कितने कंपनीज या फिर एलएलपीज इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं इन इंडिया. व्यू डायरेक्टर मास्टर डेटा, डायरेक्टर्स मतलब जितने भी डायरेक्टर्स है ओके इंडिया में, डायरेक्टर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी या फिर इवन फॉर दैट मैटर एलएलपी आल्सो. एलएलपी के लिए हम लोग बोलते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, है ना, तो वो है या नहीं. तो माय सिंपल क्वेश्चन टू यू गाइस, माय सिंपल क्वेश्चन टू यू मुकु, मैं बताऊंगा तुमको, चिल गिरिजा, ऑब्वियसली यू कैन चेक यार. तुमको कंपनीज एक्ट है तो ऑब्वियसली तुम चेक कर सकते हो यार, डोंट वरी. रन तुम्हारा होता है रिजर्व यूनिक नेम, वहां पे तुमको दिख रहा है फुल फॉर्म रिजर्व यूनिक नेम. तुम अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, तो तुम्हारा क्या होना चाहिए, एक यूनिक नेम होना चाहिए. शिवानी, नई कंपनीज और इनकम टैक्स का डीएससी, डीएससी इज नथिंग बट अ सिग्नेचर. तो जहां पे सिग्नेचर यूज हो जाएगा वहां पे हम लोग डीएससी चिपका देंगे. तो टीडीएस रिटर्न है, इनकम टैक्स रिटर्न है, जीएसटी रिटर्न है, एमसीए का कुछ सर्विसेज है, वहां पे जहां जहां डीएससी लगता है वो बंदे का डीएससी अटैच हो जाएगा, मतलब साइन कर सकेंगे. यस, ओके, आई होप आई हैव सॉल्व्ड स्मॉल स्मॉल क्वेरीज. तो माय सिंपल क्वेश्चन टू यू गाइस, माय सिंपल क्वेश्चन टू यू, कैन वन डायरेक्टर बी डायरेक्टर इन मोर देन वन कंपनी? संयुक्त आंसर मत करना. कैन वन पर्सन बी अ डायरेक्टर इन मोर देन वन कंपनीज? ओके, कैन वन पार्टनर और वन पर्सन कैन बी पार्टनर इन मोर देन वन एलएलपीज? एक बेसिक क्वेश्चन है मेरा, तुमको फटाक से आंसर बोलना. ओके, समझ रहे हो कि नहीं? बाद में शायद तुमको यहाँ पे कुछ ना कुछ कहाँ पे कहाँ लॉक दिखेगा, यहाँ पे लॉक लॉक लॉक, तो ऐसा लग रहा है कि भाई कोई हम लोग गेम खेल रहे हैं और गेम का कोई लेवल पहुंचने के बाद वो अनलॉक हो जाएगा, इजंट इट? तो कुछ नहीं, लॉक मतलब बेसिकली वी हैव टू लॉग इन. हम लोग लॉग इन करेंगे फिर वो सर्विस भी हमको मिल जाएगी पूरी. एवरीथिंग इज नॉट 100% फ्री, तो कुछ कुछ चीज़ों के लिए यार, मतलब वेबसाइट मेंटेन करना है, आरओसी को काम पे भी लगाना है, उसको उस वहां से हमको कुछ ना कुछ डेटा भी लेके आना है, तो वो थोड़ा काम करेगा तो थोड़ा सा पैसा तो लेगा, मतलब एक प्रॉपर लीगल फीस लेंगे. यस, तो सब लोग बोल रहे हैं यस. नहीं, एक डीएससी होता है, अलग अलग, एक ही डीएससी होता है बेटा, एक ही डीएससी होता है फॉर अ पर्सन. ओके, मतलब मैं अंबानी का डीएससी नहीं यूज कर सकता ना, अंबानी का डीएससी खुद का, अंबानी का उसका खुद का रहेगा. एवरीवन इज सेइंग यस यस एक्सेप्ट ओपीसी. ओके, संयुक्त बोल रही है, ओके, संयुक्त हंस रही है, संयुक्त को बहुत समझता है, राइट. सो ऑब्वियसली, तो व्यू डायरेक्टर मास्टर डेटा भी हम लोग आज चेक करेंगे कि वन पर्सन मे बी अ डायरेक्टर इन मोर देन वन कंपनी. ओके, एलएलपी के बारे में सर्विसेज की अगर चेक, एलएलपी नेम कोई है नहीं है, या फिर हमको कोई नया रिजर्व फॉर न्यू यूनिक नेम फॉर एलएलपी, अगर तुमको नया एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना है, फॉर्म करना है, तो उसके लिए तुम्हारे रहेंगे कि भाई नाम अवेलेबल है या नहीं. ना लिटिल बिट बेसिक्स तुमको शायद पता होगा कि एमसी मतलब कंपनीज में या फिर एलएलपी में वी कैन नॉट हैव इवन सेम नेम, तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. इवन वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए तो अलग थोड़ा सा यूनिक नेम होना चाहिए हर एक एंटिटी का. ओके, एनुअल ई फाइलिंग ऑफ एलएलपी, तुम्हारा फॉर्म 8 फॉर्म 11 होगा कंपनी में, तुम्हारा एनुअल रिटर्न होता है सेक्शन 92 में, तो ये सब यहाँ पे हम लोग सब भर सकते हैं, लॉग इन करना है और हमको करना है. यस क्लियर एवरीवन? तो ऐसे बहुत 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 सारे चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है तुमको, ई फाइलिंग, तो बहुत सारे फॉर्म्स है, तुम्हारा INC 32 है, INC 33, INC 20 है, कितने सारे फॉर्म्स है, MGT 1, 2, 3, 4, MGT 14, CA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स तुमको भी शायद ये है कि नहीं, INC 32, 33, MOA, AOA एंड ऑल ऑफ दैट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, इजंट इट? प्लस तुमको इंटरमीडिएट में भी बहुत सारे हमको फॉर्म्स देखने, तो ये सब ऑनलाइन यहाँ पे फाइल करना, तो उसके लिए पूरा यहाँ पे हेल्प है अपने पास ई फाइलिंग का. एवरीवन अंडरस्टैंडिंग और नॉट, समझ रहा है कुछ? यस, ओके. और क्या है एमसीए सर्विसेज में? कंपनी चेक, कंपनी नाम, फाइंड सीआईएन. सीआईएन क्या होता है बच्चों? कॉर्पोरेट या फिर कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर. वहाँ यहाँ जैसे यहाँ पे भी तुमको एलएलपी का आइडेंटिफिकेशन नंबर, इट इज अगेन अ यूनिक नंबर. स्पाइस का फुल फॉर्म याद है तुमको? स्पाइस का फुल फॉर्म सिंप्लीफाइड परफॉर्मा और परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली. ओके, डेलियो मतलब फुल फॉर्म हो गया. मतलब यार एक सिंगल फॉर्म में, ध्यान देना भी, एक सिंगल फॉर्म में पूरा इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस हो जाएगा.
राइट फ्रॉम तुम्हारे डायरेक्टर के डिटेल्स, एमओए, एओए, तुम्हारा कैपिटल कितना है, डिटेल्स क्या है कंपनी के, ऑब्जेक्ट्स क्या है, एवरीथिंग इन वन सिंगल फॉर्म. वो तो ठीक है, उसके आगे जाके तुमको अपने यहाँ पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, इनकम टैक्स का टैन, योर टैक्स डिडक्शन एंड टैक्स डिडक्शन एंड सोर्स वाला अकाउंट नंबर टैन भी मिल जाएगा. ऐसे बहुत सारी चीजें वन सिंगल फॉर्म में तुमको मिल जाएंगी. मतलब एक ही फॉर्म भरना है. पहले क्या होता था यार, हमको मतलब पूरा प्रोसेस चलता था महीना भर, कम से कम 1 मंथ टू 1.5 मंथ, समझ रहे हो? यस. तो उसके ये फॉर्म भरो, फिर उसके बाद वो फॉर्म भरो, फिर उसके बाद वो फॉर्म भरो. यार उन्हें बहुत तकलीफ हो गई थी, तो उन्होंने लाया फिर अंडर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भाई एक ही फॉर्म भरो और पूरा मामला खत्म करो, समझा? फाइन, क्लियर. तो हम लोग फिर हम भी अंदर घुसेंगे. यस, यहां से मिलेंगे. यस मोयो मुकु, यहां से मिलेंगे. करेक्ट. यस, अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया रन क्या होता है. रन इज रिजर्व यूनिक नेम. तुमको अगर इनकॉर्पोरेट करना है कंपनी या फिर एलएलपी, उसके लिए तुम नाम रिजर्व करके रखो. ओके, नाम रिजर्व करके रखो तुम्हारे लिए, तुमको जो चाहिए. ओके, डेटा एंड रिपोर्ट थोड़ा सा मैं फटाक से इसमें लेता हूँ. और स्टेटिस्टिक्स तुमको मिलेंगे, बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स यहाँ पे मिलेंगे. चेक करो एनुअल रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन निधि कंपनीज. निधि कंपनीज अगर टाइप ऑफ कंपनीज जो मेंबर से पैसा लेती है और उनको फिर से लोन एज अ लोन भी दे सकती है. ओके, चेक करो इनकॉर्पोरेट और क्लोज ड्यूरिंग दिस मंथ. ओके, बेस्ड ऑन यू कैन फाइंड नो कंपनीज बेस्ड ऑन एक्टिविटी ऑब्जेक्ट क्लॉज के हिसाब से, बेस्ड ऑन ओनरशिप, होल्डिंग है, सब्सिडरी, एसोसिएट है, क्या क्या है. यहाँ पे बहुत सारी तुमको चीजें मिलेंगी. चेक करो कंपनी स्टैटिस्टिक्स, इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज, पेड अप कैपिटल के हिसाब से, बहुत सारा सीएसआर एंड डेटा एंड समरी. तो प्लीज एक्सप्लोर दिस वेबसाइट. हम लोग तो यहाँ पे सेशन में वो करने ही वाले हैं, है ना, और इनके जो भी तुम्हारे अथॉरिटीज रहेंगे वो सब. यस चलिए एवरी वन. ओके, तो मैं यहाँ पे फिलहाल अभी लॉग इन कर देता हूँ. तुम लोग भी यहाँ पे दिख रहे हो, यू कैन ऑब्वियसली, मतलब अगर तुम नए हो फॉर दिस पर्टिकुलर वेबसाइट तो ऑब्वियसली यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ. ओके, तो तुमको चाहिए होगा तो मैं फटाक से यहाँ पे देखा था, तो रजिस्टर नाउ में तुमको क्या क्या चाहिए. तुमको बस बेसिक डिटेल्स जानने हैं यार बच्चों, है ना. यूजर कैटेगरी रजिस्टर्ड यूजर है, बिजनेस यूजर तो नॉर्मल बोल देना इसको. यहाँ पे व्हाट्सएप वगैरह बहुत कुछ है, रजिस्टर्ड यूजर बोल देना, नॉर्मल पर्सन. तो यहाँ पे तुम लोग बेसिक डिटेल्स तुम्हारे डालोगे, इंडिविजुअल यूजर, समझ रहे हो सब लोग. बस तुम्हारा भी एक लॉग इन आई डी क्रिएट हो जाएगा ऑन एमसीए, खत्म. ये बहुत ज्यादा बहुत भारी चीज ऐसा कुछ नहीं है. ओके, मैं तुमको बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं बोलूंगा. तो अभी मैं लॉग इन करता हूँ फिर से. ओके, होम पेज पे आके लॉग इन, मेरा खुद का ऑलरेडी एक लॉग इन है, आई होप वो वर्क करेगा. ऑल राइट, यस. अब आया यहाँ पे कैप्चा, CoPER. अब तक मैंने कुछ दिखाना चालू भी नहीं किया तुमको, कुछ एक्साइटिंग चीजें, इन्फॉर्मेशन. रुको जरा, पेशेंस रखो. अब यहाँ पे मैं लॉगिन हो चुका, तो मतलब बार बार आगे जाके मुझे लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यस, ओके. सबको मजा आ रहा है कि नहीं? फटाफट लाइक दिखाओ मुझको, लाइक दिखाओ, लाइक्स. चलो जोरदार लाइक्स दिखाओ मुझको, जोरदार लाइक्स बच्चों, लाइक्स दिखाओ. राइट कि भाई हमको आगे करना है. अभी मैं आऊंगा एमसीए सर्विसेज में. अब हम बहुत सारे कंपनीज का डेटा चेक कर सकते हैं. तो एमसीए सर्विसेज में ध्यान देना, अभी मैं लेफ्ट में नीचे जा रहा हूँ. मास्टर डेटा, मास्टर डेटा दिखा सभी को. अब चला गया मास्टर डेटा. मास्टर डेटा में व्यू कंपनी और एलएलपी का मास्टर डेटा क्लिक किया मैंने. व्यू कंपनी अदरवाइज एलएलपी का मास्टर डेटा अभी ऑन दिस पेज. ओके, फिर से आई जस्ट रिपीट, मे बी ऑन सम ब्राउजर शायद ठीक से नहीं चलेगा, बट फायरफॉक्स पे, मोबाइल पे चलना चाहिए. ओके, उसमें और क्या होता है ना, एक पॉपअप विंडो भी बाद में आता है, तो शायद तुम्हारे मोबाइल पे चलेगा नहीं चलेगा ये तुमको देखना पड़ेगा. ओके, अब ध्यान देना. अब यहाँ पे पूछा है तुमको कंपनी CIN, याद आ रहा है CIN, कॉर्पोरेट अफेयर कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर. FCRN तुम्हारा फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, मतलब बाहर से अगर डोनेशन आते हैं वो सब है. LLP अदरवाइज तुम्हारा, ये तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो छोड़ दो. अब तुम्हारे पास वो बहुत, वो आई थिंक 10 12 डिजिट नंबर होता है, अल्फा न्यूमेरिक, है ना. पढ़ना का बाद लाइक करेंगे. ओके भाई, तुम यश तो अलग ही चीज हो, है ना, यूनिक हो तो तुम, एकदम यूनिक. तुम्हारे जैसा ना रन, तुम्हारा भी रन ही हो, तुम भी यूनिक ही हो. तो यहाँ पे वो 10 12 डिजिट वाला नंबर तो किसी को पता नहीं होता, तो यहाँ पे दिया है तुमको एक मैग्नीफाइंग ग्लास, मतलब वो तुमको सर्च करना है. तो मैंने इसको क्लियर किया सर्च. अब हम डालेंगे कंपनी के नाम. तो सबसे पहले मोटा भाई का नाम डालते हैं हम लोग, रिलायंस. रिलायंस इंडस्ट्रीज, यस. बच्चे एकदम चौक जाते हैं एक बार उसको देखते हैं. तो यहाँ पे दिख रहा है कंपनी आईडी, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, एवरीवन. तो तुमको दिख रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं यहाँ पे, करेक्ट? यस, एवरीवन. ओके, डाल दिया. तो मैं क्लिक कर रहा हूँ ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. ओके,
ओके, तो अपने आप फिर वो मैंने क्लिक किया तो अपने आप यहाँ पे तो उसका CIN कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर आ चुका। अब यहाँ पे फिर से डालो, अब ये BO है, चलो मैं सोलह रिफ्रेश करता हूँ। हाँ चलो ये इजी है, कापचा AWA। ओके एवरीवन, ओके डाल लिया। हमको मिलेंगे तेजा, टाटा पक्का करेंगे, तेजू पक्का करेंगे, डोंट वरी। और मैंने सबमिट किया। अब मुझको मिला यहाँ पे ROC, अदरवाइज MCQ पास जो बेसिक डेटा है, बेसिक डेटा वो भी मेरे पास अवेलेबल है। यस एवरीवन, ओके डाल लिया। यश भूत हो तुम, यश को बोल दिया भूत। ऑल राइट, भूत और धूत अलग अलग है, अच्छा एक ही बात है। एनीवेज, तो कंपनी एंड LLP मास्टर डेटा सबको दिख रहा है यहाँ पे है, क्या बात है। तो नाउ यू कैन चेक ऑन योर ओन, नाउ यू कैन चेक ऑन योर ओन फॉर एनी कंपनी द बेसिक मास्टर डेटा। चेक करो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का CIN मिल गया तुमको, उसका ROC, उसका जोन कौन सा है, ROC कौन सा एप्लीकेबल है, मुंबई वाला है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर विद ROC ये कोई ना कोई है। आई होप फाउंडेशन स्टूडेंट्स इवन इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स यू नो कि टाइप्स ऑफ कंपनी तुम्हारे क्या होंगे। इट कैन बी लिमिटेड, अनलिमिटेड, विद कैपिटल, विदाउट कैपिटल एंड ऑल ऑफ दैट है ना, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, पब्लिक, लिस्टेड, प्राइवेट, जो भी है। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज कंपनी लिमिटेड बाय, इट इज लिमिटेड कंपनी एंड लिमिटेड बाय शेयर्स। ए यार यहाँ पे मुझको ये सब नहीं चलेगा लाइव चैट में। ओके आगे, कंपनी सब कैटेगरी, इट इज अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट का ओनरशिप इसमें ऑब्वियसली मतलब मेजोरिटी नहीं है। क्लास ऑफ कंपनी, इज इट प्राइवेट लिमिटेड, नो इट इज अ, इट इज इट अ प्राइवेट कंपनी, नो इट इज योर रेगुलर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। यस यस आदर सब डेटा मिलता है, सब डेटा मिलता है, डोंट वरी आदर, सब डेटा मिलता है। फॉरेन कंपनी जो इनका इंडिया में इंक्वायर हुई है उनका भी आता है, मतलब दोज आर हैविंग ब्रांच ऑफिस यहाँ पे। ओके अरे भाई ये नाम का ओके काउंट करते बैठो, खेलते बैठो नंबर्स के साथ। ऑथोराइज कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल, चेक करो 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1,000 करोड़, माय गुडनेस, 6,000, 6,405 करोड़, 1,45,605 रुपीज, माइंड बॉगलिंग। क्या ये माइंड बॉगलिंग है नंबर्स है कि नहीं, करेक्ट? यस, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बच्चों 1973। ओके आई थिंक मैंने कुछ स्टूडेंट्स को पूछा भी था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्टार्टिंग वाला ऑफिस, स्टार्टिंग वाला ऑफिस कहाँ पे था, द बिगनिंग ऑफिस। अभी ये रजिस्टर्ड ऑफिस तो यहाँ पे है, दिख रहा है तुमको मुंबई में है, रजिस्टर्ड ऑफिस एक ही होता है कंपनी का, इट इज इन मुंबई। ओके बट पहला वाला कहाँ पे था, एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम हमेशा रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज लिमिटेड नहीं था, इट वॉज माई लॉन, इट वॉज सॉरी माई नाइ माई नाइलॉन नॉट माई लॉन, इट वॉज माई नाइलॉन लिमिटेड एंड इट वॉज इनकॉर्पोरेट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका में एक जगह थी वहाँ पे उनका पहला मतलब इट वॉज रजिस्टर्ड ऑफिस। लेटर ऑन दे हैव स्विच टू, दे हैव चेंज द नेम एज वेल एज नाउ दे हैव चेंज द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑल्सो। यस आयोन एक्सचेंज, सुमित बोल रहा है। ओके फाइन, टेल एवरी वन। आगे एड्रेस अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस वेयर ऑल द ऑल और एनी ऑफ द बुक्स और अकाउंट्स एंड पेपर्स आर मेंटेन। सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट जल्दी से मुझको सेक्शन बताओ, ये सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट मुझको जल्दी से सेक्शन बताओ, ये हम लोग कल ही कर चुके हैं, ये कल परसों ही कर चुका है। कैन वी कीप बुक्स ऑफ अकाउंट समवेयर एल्स, रजिस्टर्ड मेंबर्स को भी था बट आई होप यू नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में भी आएगा वो। मुकु और यश दोनों शांत बैठो, प्लीज डू नॉट कमेंट एनीथिंग अदर देन सिलेबस प्लीज। ओके दोनों को ब्लॉक कर दूंगा मैंने तो, चुप बैठो। एक्टिव कंप्लायंस मतलब उनके कंप्लायंसेज विद MCA चल रहा है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब चेक करो वेदर लिस्टेड और नॉट। यस ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इज लिस्टेड। डेट ऑफ लास्ट AGM पिछले साल हुआ था अगस्त में, सो 12th अगस्त 2019 में हुआ था एंड उसके लिए द बैलेंस शीट वॉज विच वॉज गिवन वॉज एज ऑन ऑब्वियसली 31st मार्च 2019। यस और उनके जो भी कंप्लायंस है वो सब चल रहे हैं यहाँ पे। यस एवरी वन, ओके डाल लिया। तो आज की तारीख में मतलब वी आर ऑन जुलाई एंड खत्म ही है, तो अभी भी मतलब अभी भी मुझको नोटिस आना शुरू हो गए हैं। नोटिस मतलब इनकम टैक्स का नोटिस नहीं, नोटिस फॉर इन्विटेशन टू AGM ऑफ दियर कंपनीज। तो बहुत सारे कंपनीज अभी अगस्त में मैक्सिमम सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक तक उनका ये कर लेंगे, AGM खत्म हो जाएंगे, तो बहुत सारे कंपनीज का अभी ही AGM होगा। ओके इन दिस मंथ एक्चुअली, तो ये जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल अभी 2019 दिख रहा है एज ऑफ नाउ, तो अभी प्रैक्टिकली होंगे इन 2020 ऑल्सो इन ऑगस्ट वगैरह। यस एवरी वन, मुको यस गुड। चार्जेस चैप्टर 6 तुमको याद है बच्चों, चार्जेस कंपनीज के होते हैं हाँ या ना। यस तो चेक करो
बहुत सारे चार्जेस अगेंस्ट बहुत सारे असेट्स ऑफ द कंपनी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, या फिर बुक डेट्स डेटर्स हो चुके हैं, है ना। तुम्हारा स्टॉक होगा, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी तो तुम्हारा इन्वेंट्री हो सकता है, स्टॉक हो सकता है। तो बहुत सारे सालों से बहुत सारे ऐसे इतने सारे अमाउंट था, चेक करो लोन अमाउंट कितना है भाई, है ना। बट कुछ कुछ पुराने भी है और उसका स्टेटस अभी क्या है, क्लोज भी है भाई, क्लोज भी है ना। सो वी माइट हैव डिस्कस ऑल्सो कि भाई अभी रिलायंस इज ट्राइंग टू क्लियर ऑफ ऑल ऑफ इट्स डेट्स, इट इज बिकमिंग ट्राइंग टू बिकम कैश रिच कंपनी, है ना। एटलीस्ट डेट्स तो सब बंद हो जाए, कुछ कुछ अभी भी लोन अगर उनके चालू रहेंगे, लोन मतलब चार्ज शुरू है, तो चेक करो कुछ कुछ है। ये तो बेचारा बस पिछले महीने चालू हुआ है, तो बाप रे कितना बड़ा अमाउंट है, ये कितना बड़ा अमाउंट है। एमसीए की प्रोविजन मतलब यू सेइंग लॉ एज इट इज लिखा तो ऑब्वियसली चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। ये सब क्लोज 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 चार्ज है, अब ये 2016-6 का है, कोई ना कोई ओपन है ना। डेटर्स के अगेंस्ट, बुक डेट्स मतलब डेटर्स के अगेंस्ट है, मतलब दैट इज द सिक्योरिटी, डेटर्स इज द सिक्योरिटी, ओके। मतलब उसका मीनिंग वो होता है। शिवानी का क्वेश्चन क्या है, शिवानी तुम्हारा क्वेश्चन क्या है फिर से प्लीज डालो, तुम्हारा क्वेश्चन काफी ऊपर चला गया है ना। और कौन है, वाह ये 2010 का, कोई ना कोई, ये क्या है, क्लोज है, ओपन है, ओपन था ना, या मॉडिफाई किया है, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन है, चेंज किया कुछ ना कुछ, ओके। वैसे यू विल गेट आइडिया कि भाई चेक कर कितने चार्ज ओपन है, क्लोज एंड ऑल ऑफ दैट, ओके। ये तो हमारे बेसिक चलो डिटेल्स हो गए ऑफ द कंपनी। आगे अभी केएमपी कौन है, डायरेक्टर्स कौन है ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रिलायंस, ये आया है नीचे सब डिटेल्स, डायरेक्टर्स या फिर सिग्नेटरी डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, यस। फिर अपनी कंपनी का चेक कीजिए, कौन से कंपनी भाई, अभिषेक, एवरीवन कैन सी, मेसवानी, मेसवानी, अंबानी भाई, मोटा भाई, नमस्ते, त्रिवेदी जी, बस त्रिवेदी ही बचेगा, करेक्ट। देन वेंकटाचारी, कदम पंडा, पंडा है, पांडा है, माशलेकर, रघुनाथ माशलेकर तुम्हारा साइंटिस्ट है ना, आई थिंक ये तो साइंटिस्ट है, आई थिंक सो, प्लीज चेक, बाद में चेक कर लेना। जैन पारेख, सावित्री पारेख, तुमको ऊपर भी दिख गया रहेगा सीएस, आई थिंक सीएस उसका ईमेल आईडी था। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि तुमको कौन सी इन्फॉर्मेशन क्या क्या कहाँ से मिलेगी, ओके। इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज लाइक, सावित्री पारेख वही है ना, सावित्री पारेख, इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज क्यूमुलेटिव, हमेशा याद रखना, इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज क्यूमुलेटिव। तुमको वो चीज़ तभी शायद काम में नहीं आएगी, बट आगे जाके वो, हाँ मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था, ऐसा काम में आता है, ओके। वही है सावित्री पारेख, पारेख है वहाँ पे, पारेख है, जो भट्टाचार्य है, कोई ना कोई, अरुंधति भट्टाचार्य, ओके, मैडम जी है, मिसेस अंबानी, ओके ओके एंड ओके, एवरीवन गॉट इट क्लियर, यस। सो दिस इज योर केएमपी डिटेल्स, मतलब डायरेक्टर डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, करेक्ट। रिलायंस इन्फोकॉम है ना बेटा वो, है ना, रिलायंस इन्फोकॉम है ना वो, यस ओके। तो फिर से हम लोग और दूसरा कंपनी कंपनी देख लेंगे, चलो अभी हम लोग टाटा का देखते हैं बच्चों, हम लोग टाटा का देखते हैं, चलेगा। एवरीवन इज ओके डेलिया, इज एवरीवन ओके, ओके व्यू कंपनी अदरवाइज मास्टर डेटा, तुमको यहाँ पे सिग्नेटरी डेटा भी दिख रहा है, व्यू सिग्नेटरी डिटेल्स, येस और नो, व्यू सिग्नेटरी डिटेल्स, सबको दिखा यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे मतलब वो पर्टिकुलर कंपनी के लिए उनके डायरेक्टर्स कौन है, व्यू सिग्नेटरी डिटेल्स, मैं तुमको दूसरा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने फिर से क्लिक किया ऑन दैट आइकॉन, अभी मान लो मैंने लिया रिलायंस इन्फोकॉम है ना, क्या नाम है उसका, रिलायंस इन्फोकॉम है जियो के लिए, मेरा स्पेलिंग गलत हो गया वहां पे, जियो एशिया इन्फोकॉम, जियो इन्फोकॉम है, बराबर है, राइट। एवरीवन ओके डलिया, लिमिटेड हो गया है वो, प्राइवेट नहीं रहा। सुमित बोला टाटा सेंस पक्का करेंगे, सुमित वो करना ही है हमको, यस। तो रिलायंस आई थिंक उसको बेटे के पास दिया था ना उसका डायरेक्टरशिप, BEGVES, ओके, रिलायंस जियो इन्फोकॉम, आई थिंक 2008 में क्या हो गया भाई इसको, अच्छा हाँ पसंद नहीं आया क्या, आ गया, हाँ। तो हम लोग इसके ये चेक कर रहे हैं ना, डायरेक्टर डिटेल्स, ओके, डायरेक्टर डिटेल्स के बारे में हम लोग चेक कर रहे हैं, बट कंपनी का फिर से हम लोग बेसिक डेटा तो हम लोग कर कर ही सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर लिया, सीआईएन को कॉपी कर लिया, ओके, सीआईएन को, रिलायंस जियो इन्फोकॉम के बारे में। तो देखो डायरेक्टर्स कौन कौन है रिलायंस जियो इन्फोकॉम में, फिर से मोटा भाई है, कुमार जैन कोई तो है, CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, KMP, की मैनेजर पर्सन पर्सनल हमारे सिलेबस में है सर, थोड़ा जूम करो, ओके। कोई ना कोई नाटा भाई है, मोदी भाई है, पंकज मोहन पवार, पवार सुना तो हमको एक ही पवार याद आता है, ओके। आई थिंक ये दीपक जैन शायद रिलायंस आरईएल में भी थे, रंजीत पंडित, ओके। एमडी कौन है, संजय मशरू वाला, ओके। किरण मैथ्यू थॉमस, शुभजीत बनर्जी,
ये है आई थिंक ये जनूल भाई आरियल में भी थे, अपन ने जो देखा फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज का, ईशा मुकेश अंबानी डॉटर आकाश, यस आकाश मुकेश अंबानी, मोहनदर सिंह सोनी एंड ऑल ऑफ दैट, राइट एवरीवन गॉट इट। शिवानी क्या बोल रही है, अगेन बॉडी कॉर्पोरेट का भी डिटेल्स मिलता है बच्चा, मिलता है मिलता है। ओके डलिया बस लास्ट के लिए, अगर वैसे एक बार लास्ट हमको देखना है अगर इसके बारे में व्यू कंपनी अबाउट रिलायंस इन्फोकॉम, उसके बाद में टीसीएस लूंगा, अभी टीसीएस लूंगा मतलब टाटा का कंपनी लूंगा। हैव पेशेंस बच्चों, हैव पेशेंस, अभी तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है। इफ वी गो बियॉन्ड 1 आवर चलेगा क्या, जल्दी बोलो। इफ वी गो बियॉन्ड 1 आवर चलेगा क्या, जल्दी बोलो। हम लोग को यहाँ पे ये ले चुके थे ना रिलायंस इन्फोकॉम का, इफ वी गो बियॉन्ड 1 आवर चलेगा क्या, मजा आ रहा तो बोलो, अदरवाइज इसको वाइंड अप करेंगे हम लोग, बोलो जल्दी। चेक करो रिलायंस अहमदाबाद, कोई है क्या अहमदाबाद से? ओके कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, नॉन गवर्नमेंट पब्लिक कंपनी, लिस्टेड है क्या? नहीं अब तक लिस्ट नहीं हुआ है ना, देखा यहाँ पे वो फर्क, अब तक वो लिस्ट नहीं हुआ है, देख लो भाई खेलते बैठो फिर से फिर के फिर से ये नंबर्स के साथ, यार तकलीफ होगी। यूनिट 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, बहुत सारा करोड़ है यार, खेलते बैठो तुम लोग, है ना? यस और ये अहमदाबाद में तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस है यहाँ पे, कब इनकॉर्पोरेट हुआ है तुमको ये देखो, दिस इज द काइंड ऑफ प्लानिंग, इसको बोलते हैं प्लानिंग। लॉन्च 2018-19 में हो रहा है, प्लानिंग तो भाई 10 साल पहले, दिस इज लाइक विजन कि भाई 10 साल आगे हमको क्या करना है, उसके लिए विजन, समझ रहे हो? मस्त को उसको वैल्यू ऐड करो, इन्वेस्टर्स लेके आओ और फिर धमाका करो, दिस इज समथिंग विच बिग बिजनेसेस डू, की लॉन्ग टर्म प्लानिंग। यार डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चेक करो भाई, मतलब अमेजिंग। आई थिंक तभी अनिल अंबानी का कंपनी चल रहा था रिलायंस वाला, है ना, टेलीकम्युनिकेशंस वाला, बट स्टिल इन स्पाइट ऑफ दैट दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग विच मेजर कंपनीज डू दिस, है ना, इट्स अमेजिंग टू सी दैट, राइट। अभी भी चार्जेस है नहीं है जो भी है ऑल ऑफ दैट, उनका भी 2019 का कंप्लायंस है, चार्जेस तो पूरा क्लोज है बच्चों, इनका कोई अभी भी चार्ज, कोई उन्होंने पर्टिकुलर असेट नहीं चल रहा है। एंड दिस केएमपी तो हम लोगों ने अभी जस्ट चेक किया था, सिग्नेटरी डिटेल्स हम लोगों ने चेक किया था, यस एवरीवन गॉट इट। तो व्हाट डिड आई शो यू ऑन एमसीए सर्विसेज, चेक करो अभी ऑन एमसीए सर्विसेज, इसके लिए लॉग इन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेफ्ट हैंड साइड में व्यू कंपनी और एलएलपी मास्टर डेटा, नाउ यू कैन चेक फॉर एनी कंपनी, नाउ यू कैन चेक फॉर एनी कंपनी, एवरीवन गॉट इट लियो। और अगर तुमको सिर्फ डायरेक्टर्स देखने हैं तो व्यू सिग्नेटरी डिटेल्स आता है नीचे, ओके आई जस्ट शो यू व्यू सिग्नेटरी डिटेल्स आता है थोड़ा सा नीचे, एवरीवन ओके। चलो मैं अभी बात करता हूँ इसकी, व्यू सिग्नेटरी डिटेल्स है उसके नीचे थोड़ा दिख रहा है तुमको, व्यू डायरेक्टर मास्टर डेटा, ओके मैं थोड़ा सा नीचे आ गया, व्यू डायरेक्टर मास्टर डेटा मतलब अभी तुम्हारे पास कोई भी पर्सन इंडिविजुअल, यू कैन फाइंड आउट वेदर ही इज अ डायरेक्टर और नॉट, ओके डायरेक्टर नेम, तो ये थोड़ा सा हम लोग कीड़े यहाँ पे कर सकते हैं, हम लोग उसके लिए जाएंगे गूगल के पास, हम लोग उसके लिए जाएंगे थोड़ा सा गूगल के पास। अब यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा, डायरेक्टर अदरवाइज डेजिग्नेटेड पार्टनर नेम, तो मैं यहाँ पे एक नाम डालूंगा अच्छा वाला, चलेगा? इतना तो बेसिक डिटेल गूगल से मिल जाता है, विकीपीडिया से मिल जाता है ना, यहाँ पे एस्ट्रिक नहीं है, फादर्स लास्ट नेम तो पता ही है, कुछ डालने की जरूरत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ जिसको कोई फैन होगा तो उसको पता है, जिसको नहीं पता तो वो हमेशा ऑब्वियसली अपने पास तो क्या गूगल बाबा है ही ना, है ना, गूगल बाबा बाबा तो है। देख रहा मजा आ रहा है क्या सभी को? ऋतिक रोशन का भी देखेंगे, डोंट वरी। डेट ऑफ बर्थ DOB बराबर निकला, 5 जनवरी 1986। अभी इसको कोई ना कोई लोगों को टाइम भी चाहिए भाई, कुंडली निकालने वाले हो क्या? एनीवेज सो 5 जनवरी 1986, मजा आ रहा है सभी को? गरिमा हंस रही है, ओके हम लोग, मैं आपको कर रहा हूँ सर्च, आएगा कुछ अपने पास DIN, मेरे पास तो उसका पैन भी है, 10 साल पहले अगर जब मैं आर्टिकल शिप कर रहा था ना, तब ये जो जो भी वेबसाइट्स हैं ना इनकम टैक्स के और एमसीए के, दे वो नॉट दैट ग्रेट, बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स नहीं थे, बस नाम डालो डेट ऑफ बर्थ डालो पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर भी मिल जाता था, अभी नहीं मिलता है वो डायरेक्टली, बट मेरे पास है, तभी हम लोगों ने स्क्रीनशॉट करके रखा था, आर्टिकल शिप में ये भी मजे करते हैं हम लोग, है ना प्रणीता? यस अब समझा सभी को, तो डिन है अपने पास, है ना, उसके लिए क्या चाहिए था यार, प्रॉपर नाम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो बंदा आ गया, ओके तो हम लोग करेंगे यहाँ पे सबमिट, हमको सर्च कर रहे हैं, बच्चे भी एक्साइटेड हो गए, तो आंखों में तुम्हारी चमक दिख रही है ना, यस मेरे को याद था भाई, ओके बट अनफॉर्चुनेटली मैडम जी डायरेक्टर नहीं है कोई कंपनी में, बट फॉर्चुनेटली शी इज अ पार्टनर,
इन मेनी ऑफ द LLPs, मेनी ऑफ द LLPs। सो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे दिख रहा है सभी को LLP के नाम। अभी मतलब किसी के दूसरे के पर्सनल लाइफ में झांकने के क्या इंटरेस्ट आता है, हमको बहुत इंटरेस्ट आता है स्पेशली सेलिब्रिटीज का, है ना। मतलब काम है नहीं बट देखना है हमको, तो चेक करो। तो ये LLP के यूनिक नंबर्स है। यस एवरी वन ओके डल जाओ। तो ये उसका इनकॉर्पोरेशन कब, नॉट इनकॉर्पोरेशन सॉरी, कि वो कब से LLP में वो पार्टनर बनी है। गुड़िया ग्रेट सर, इतनी खुशी हो रही है। यस सुमित यस। तो आई थिंक ये कुछ ना कुछ रहेगा, पता नहीं उनके बारे में, आई मीन समथिंग दिस इज काइंड ऑफ रिलेटेड थिंग। तो मैं कल देख रहा था ये नया नया लेटेस्ट वेंचर का है यार। ये जो सेलिब्रिटीज लोग या फिर जो पर्सन पैसा कमा चुके हैं ना, वो लोग शेयर वेयर फिक्स डिपॉजिट इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं ना। मतलब एज सच दे बिकम इन्वेस्टर्स, दे बिकम व्हाट इन्वेस्टर्स, कि भाई हम लोग उसको कोई अगर अच्छा आइडिया है उसमें हम लोग पैसा डालेंगे तो उसको बढ़ाओ, है ना। दे बिकम इन्वेस्टर्स। तो अभी मान लो मैं कुछ 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 तो मेरे को इंटरेस्टिंग दिख रहा है यहाँ पे, चॉक एंड चीज, बाकी तो सब कुछ ना कुछ सेम दिख रहा है। मतलब उनके बिजनेस के बारे में, इनोवेशन, टैलेंट, ब्यूटी, लिविंग एंड ऑल ऑफ दैट। चॉक एंड चीज मेरे को कुछ ना कुछ यहाँ पे दिख रहा है, चॉक एंड चीज, है ना। तो मैं गया मुझे देखना है ऑनलाइन पे चॉक एंड चीज क्या होता है, क्या है ये चॉक एंड चीज, तो देखते हैं। तो कुछ ना कुछ LLP वगैरह है। अब देखो उसका कुछ वेबसाइट मिला, उसको चॉक एंड चीज का सबको देख, सबको दिख रहा है चॉक एंड चीज का वेबसाइट मिला। अगर मैं तुमको बताता था कि चलो चॉक एंड चीज कुछ ना कुछ है, तो बस अगर ये बस मैं नॉर्मल वेबसाइट देखूंगा तो मुझको कुछ नहीं समझने वाला है यहाँ पे यार। मतलब दिस जस्ट अ सिंपल वेबसाइट, इसमें मुझको कुछ समझेगा नहीं कि भाई इसमें इन्वेस्टर कौन है, इसमें दीपिका पादुकोण है या फिर रणवीर सिंह है या कौन है। रणवीर सिंह का रियल नाम पता है ना तुमको, तो हमको नहीं समझता था। तुम अगर ये तुमको वेबसाइट में देखा था दिखाता था चॉक एंड चीज लाइफ स्टाइल वैसे कुछ ना कुछ, सबको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों। तो मतलब कहाँ से हम लोग क्या क्या सर्च कर सकते हैं, ओके कहाँ से हम लोग क्या क्या सर्च कर सकते हैं, हमको वो देखना है। ओके बट यस टुडे सेशन आई विल एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट, थोड़ा सैड नोट पे मैं एंड करूंगा। ओके थोड़ा सा सीरियस नोट, ये तो अभी हमारा फिलहाल तो मजाक चल रहा है बट हम लोग करेंगे, ध्यान देना। अबाउट द ग्रेटेस्ट आइडिया नोन टू मैनकाइंड एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ये टाइम पास की बात है, मार्केटिंग की बात है। बेस्ड इन मुंबई कंपनीज ब्रेन चाइल्ड ऑफ टू यंग क्रिएटिव डिजाइनर्स शाह शाह, यहाँ पे लिखा है पदुकोण नहीं, यहाँ पे लिखा है रणवीर सिंह नहीं, जो भी रहेगा। तो ये लोग कुछ ना कुछ इसमें करने वाले हैं, क्रॉकरी हो गया एंड ऑल ऑफ दैट। द प्रोडक्ट्स आर डिजाइन एंड अराउंड सिंपल, ये अपने लेवल, तुम्हारे मेरे लेवल की बात नहीं है, ये हाई लेवल के लोगों के लिए होगा। ओके ओके डलियो, ये कुछ ना कुछ देने वाले हैं। यस तो फिलहाल ये अवेलेबल है ऑनलाइन, ब्ला 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 ब्ला, है ना। होम यहाँ पे अबाउट कुछ नीचे दिया गया है, वही फिर से चीज है। तो मैं यहाँ पे बस देख लेता हूँ प्रोडक्ट्स, ये लोग एक्चुअली क्या देने वाले हैं प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स क्या क्या है, प्रोडक्ट्स कुछ ना कुछ डाइनिंग के लिए क्रॉकरी, केक स्टैंड, मतलब इसके ऊपर तुम लोग बोला कि इसके इसमें इन्वेस्ट किया, तो ऑब्वियसली देयर इज एन आइडिया बिहाइंड इट ना, कुछ ना कुछ उसके पीछे आइडिया होगा कि भाई ये यूनिक क्यों है, व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन योर पर्टिकुलर वेंचर। समझ रहा सभी को, तो डिजाइनर होगा यार ये बहुत अलग लेवल पर रहेगा, इजंट इट, समझा सभी को। अगर मैं तुमको बस ये वेबसाइट देता था तुमको बिल्कुल भी नहीं समझ आता था हु इज एक्चुअली इन्वॉल्व हुआ देयर। अब आते हैं हम लोग पीछे वाले डेटा पे फिर से चॉक एंड चीज पे। ओके अब ध्यान देना, अब मजा आएगा। अब मैं चॉक एंड चीज के LLP के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ओके ऑन दिस पर्टिकुलर LLP की, भाई ये तो एक पार्टनर है ना, दीपिका पादुकोण इज वन पार्टनर इन दिस पर्टिकुलर फर्म, तो बाय डिफॉल्ट दूसरा पार्टनर कौन होना चाहिए, रियल लाइफ पार्टनर भी होना चाहिए क्या। तो यहाँ पे आ गया है एक पॉपअप विंडो, यहाँ पे आ गया है एक पॉपअप विंडो। अब हमको LLP के कुछ ना कुछ डिटेल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे पार्टनर्स कौन है, दो ही पार्टनर्स उसमें से, एक ऑलरेडी दीपिका पादुकोण है, ROC मुंबई उसके लिए भी इनकॉर्पोरेशन अभी अभी लास्ट ईयर हुआ है। अब मे बी आई एम नॉट श्योर, दिस मे बी द एड्रेस ऑफ दीपिका पादुकोण, वो तुम लोग गूगल कर लो लेना। ईमेल ID, अभी इसके ऊपर भी मुझको कुछ ना कुछ समझा है, बाद में तुमको बोलूंगा थोड़ी देर में। ओके ईमेल ID, कॉन्टैक्ट ईमेल ID क्या है, nadeem.khan के जो भी है। टोटल स्टार्टिंग में कितना अमाउंट डाल के रखा है, बस 50,000। ओके मेन डिवीजन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी भी कैरियड आउट इन इंडिया, मतलब एक कोड आता है कौन सा वाला करने वाले हैं वो बिजनेस, तो कौन से कैटेगरी में आता है वो बिजनेस, रिक्रिएशनल है, कल्चरल, अदरवाइज स्पोर्टिंग एक्टिविटीज। ओके अब उसके पार्टनर चेक करो, भाई कितना स्वीट है ना ये, कितना स्वीट का, कितना स्वीट पार्टनर यहाँ पे दिख रहा है सभी को, आई होप एवरीवन कैन सी। दो ही पार्टनर है एंड रियल लाइफ पार्टनर है, दिखा सभी को, रणवीर सिंह जुगजीत सिंह भवनानी, भाई साहब का पूरा नाम है, सबको समझा। तो ही इज द पार्टनर ओवर देयर। अब मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, किधर गया वो, ओके बंद हो गया, चलो ठीक है नो प्रॉब्लम। हाँ एवरीवन गॉट इट, ले जाओ मजा आया सभी को। ओके मैं फिर से अभी क्या करूंगा, मैं अभी ये जो LLP है उसका मैं नाम कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन नाउ आई गो ऑन, मुझको देखना है कि दीपिका को, मुझको समझ गया कि दीपिका इज नाउ पार्टनर इन सो मेनी फर्म्स है, नहीं मुझको देखना है कि रणवीर भाई कौन से रणवीर भाई सॉरी कौन से फर्म्स में पार्टनर है।
मैं क्या करूंगा, अभी व्यू सिग्नेटरी डिटेल्स, सॉरी व्यू, यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं, चौक एंड चीज हो गया अपना, हाँ यहाँ पे हो गया अपना राइट। हाँ मैं मुझको और एक कंपनी चेक करना है, व्यू मास्टर डेटा, यहाँ पे व्यू कंपनी, अच्छा सॉरी व्यू कंपनी का मास्टर डेटा, यहाँ पे कंपनी है मेरे पास, मैं जो सर्च करूंगा, ये सब रिसर्च की काम की बात है, आर एस वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड सबको मजा आ रहा है क्या? जो लड़कियों को ऋतिक रोशन का देखना, तुम ऋतिक रोशन का भी देख सकते हो, DIN वगैरह। ओके ओके, यहाँ पे कुछ अपने पास आया है, स्लॉपिंग, ओके सबमिट, चेक करो, ये कंपनी थोड़ा रिसर्च किया था मेरे को तब समझा था। तो अगेन RS वर्ल्ड वेल्थ एंडेड में प्राइवेट लिमिटेड है, दिस इज लिमिटेड बाय शेयर, नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी, बस 1 लाख रुपए का स्टार्टिंग का कैपिटल है, हाई पीक अपार्टमेंट भवनानी एस्टेट, भाई साहब का ही है ना, समझ रहे हो? कौन है डायरेक्टर? रणवीर सिंह ही डायरेक्टर है, उसका पैन ये सब यहाँ पे है। यस एवरीवन गॉट इट क्लियर? यस बैंक कर दो सर जी, बैंक। अब मैंने क्लिक किया भाई साहब के नाम के ऊपर, रणवीर सिंह के नाम के ऊपर, अब मुझको पूरा लिस्ट आया है कि रणवीर भाई कौन से कंपनीज में डायरेक्टर्स है। यस तो लिस्ट ऑफ कंपनीज में डायरेक्टर, वो एक ही कंपनी में डायरेक्टर है, ओके बट LLP, फिर से LLP चेक करो, तो बेचारा दीपिका और रणवीर का एक ही LLP है, जो दोनों ही पार्टनर है, चौक इन चीज वाला, भाई साहब का पहले से ही था, माँ कसम, क्या नाम है LLP का, माँ कसम फॉर्म फिल्म्स LLP फ्रॉम 2017, ओके देन O50 मीडिया एंटरटेनमेंट, O50 ये न्यूमेरिकल टैलेंट, O50 मीडिया वर्क्स, तो इनका कुछ ना कुछ, यस गुरिया, तो अक्षय कुमार का तुमको पता रहेगा, वो क्या रंजीव भाटिया है ना, क्या साजीव भाटिया, तुमको पता है भाटिया कोई ना कोई, तो रियल नेम अलग है ना बच्चों, इवन करीना, करीना नहीं, कटरीना कैफ का रियल नाम, लीगल नाम अलग है, कुछ रोज या कुछ तो तुमको देखना पड़ेगा, करीना का, यू कैन कीप ऑन फाइंडिंग एंड सर्चिंग ऑल ऑफ दैट, ओके एवरीवन गॉट इट क्लियर? अब ऑब्वियसली यार तुम मतलब अगर अभी तुम्हारे पास LLP का नाम भी आ गया, नंबर आ गया, तो LLP के बारे में तुम लोग बेसिक डिटेल्स यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, उनका ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्या था, एवरीवन ओके डल जाओ, गॉट इट? चलो जिनको मजा करना थोड़ा सा, मैं लास्ट ऋतिक रोशन तुमको देखना है, बट ऋतिक रोशन का बस DIN है, बट ही इज नॉट डायरेक्टर और पार्टनर ऑफ एनी ऑफ द फॉर्म, तो अभी वो कुछ काम का नहीं है, बट डायरेक्टर का नाम तुम्हारा मतलब ऋतिक रोशन, ऋतिक राकेश रोशन है, तुम सर्च कर सकते हो, और डेट ऑफ बर्थ के लिए गूगल तो है ही अपने पास, तो दैट ऑब्वियसली यू कैन चेक। यस ओके, मैं अभी मुझको देखना थोड़ा सा सीरियस कंपनी के बारे में बच्चों, ये सब बंद करता हूँ मैं फिलहाल, चौक एंड चीज हो गया। तो रिसर्च में हम लोग क्या क्या देख सकते हो, रिसर्च में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, है ना टाइम सभी के पास, मजा आ रहा है तो बोलो जल्दी, टाइम है ना सबके पास, फटाफट बताओ, वी हैव टू कंटिन्यू नो, राजीव भाटिया चिन्मय, यस राजीव भाटिया ढूंढते बैठना फिर। सो नाउ आई एम लुकिंग एट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, न्यू लेवल ऑफ स्टॉकिंग प्रणीता, यस इट्स नॉट, हाँ यू कैन सी दैट करेक्ट, प्रोफेशनल स्टॉकिंग है ना, प्रोफेशनल स्टॉकिंग, बट हम इसमें तुमको थोड़ी समझेंगे, वो ऑनलाइन है ऑफलाइन है, कौन सा क्या किधर लाइक किया, वो थोड़ी समझेगा, करेक्ट? ओके टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में बेसिक डिटेल्स हम लोग यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, टाटा है, श्रेय बोल रहा मस्त, मजा आ रहा है सभी को, शेयर करना भाई शेयर करना, अदरवाइज फिर सर हैव यू हर्ड दैट सेबी विल अलाउ इन्वेस्टर्स टू ट्रेड डायरेक्टली ऑन स्टॉक एक्सचेंज, TDK, फिर से दूसरे टॉपिक में घुस गया ये, हम लोग सेबी के वेबसाइट पे नहीं है भाई, ना ही NSE के वेबसाइट पे है, वो BSE के वेबसाइट तुम्हारा रहेगा ना आज, वो वहाँ पे देख लेना। ओके कल्पना बोल रही है इंटरेस्टिंग है, स्टॉकिंग इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग ना, प्रोफेशनल स्टॉकिंग, ये TCS के बारे में बच्चों, TCS ध्यान देना प्लीज, दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, वर्ड लिमिटेड मतलब तुमको समझ गया, इट इज अ पब्लिक कंपनी, ROC मुंबई, रजिस्टर्ड ऑफिस इन मुंबई, नॉन गवर्नमेंट है, लिमिटेड बाय शेयर्स, काफी बड़ा अमाउंट है बट नॉट लाइक रिलायंस ऑब्वियसली, द कैपिटल्स इनकॉर्पोरेशन इज 1995, बहुत सारे तुम्हारे बिल्डिंग मतलब बहुत सारे ऑफिस तुम्हारे निर्मल बिल्डिंग नरीमन पॉइंट में ही होते हैं तुम्हारे, ओके एंड दिस इज अ लिस्टेड कंपनी, समझा? रिलायंस जैसा हम लोगों ने इन्फोकॉम का देखा, इन्फोकॉम वॉज अनलिस्टेड है ना, तुम्हारा RS वर्ल्ड वाइड देखा, ये सब अनलिस्टेड है तुम्हारे, दिस इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इज अ लिस्टेड कंपनी, ओके इसके कितने भी चार्जेस ओपन है क्लोज है मतलब लोन वाले अमाउंट है तुमको यहाँ पे समझ जाएगा, एवरीवन ओके डलिया, न्यू लेवल ऑफ CS टॉकिंग, आई एम स्टिल टेलिंग यू गाइज, वी हैव नॉट एट गॉट यू टू मच ऑफ डिटेल्स, हमको मान लो सर्च करना है बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, क्वेश्चन समझो, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ प्राइवेट कंपनी, आज की तारीख में तुम्हारा रिलायंस इन्फोकॉम, रिलायंस जियो इन्फोकॉम इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, बट ध्यान देना प्लीज पे अटेंशन,
एज सुन एज यू से इट इज अ लिस्टेड कंपनी, इसका तो तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ऑब्वियसली मिलने ही वाला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, आरआईएल हो गया, सॉरी टीसीएस है, एनी लिस्टेड कंपनी, इट इज अ ड्यूटी टू गिव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो तो पब्लिकली अवेलेबल है ही है। बट आई एम टॉकिंग ऑफ दोज अनलिस्टेड कंपनीज, इधर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, अदरवाइज प्राइवेट कंपनीज, उनके भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले सकते हैं फ्रॉम दिस वेबसाइट। वो भी हम लोग वहां पे भी जाएंगे कि कौन ओनर्स है, मेंबर्स कौन है कंपनी के, वो भी कर सकते हैं फॉर एनी कंपनी। सुमित बोल रहा है ऑब्वियसली यस, वैभव बोल रही है, वैभव भी बोल रही है यस, ओके यस फॉर व्हाट, बट हाँ मनी कंट्रोल से हम लोग करेंगे, करेक्ट। ये तुम्हारे टीसीएस के चेक करो, हम लोग मैं फटाक से आगे ले रहा हूँ। तुम्हारे टीसीएस का हो गया ये, आई थिंक दिस इज द गाय ना, एमडी मतलब सीईओ ऑफ दैट कंपनी ना, मतलब इनको दे चुके हैं हम लोग सब कुछ अभी, हम लोग मतलब ओरिजिनल ओनर्स है ना, नारायण मूर्ति ना, करेक्ट। तो आई थिंक इनको दिया है, चंद्रशेखरन को, सीवी आई थिंक कुछ था ना, तो दिस आर द केएमपी ऑफ योर पर्टिकुलर कंपनी, ओके डलिया। अब मुझे जानना है बच्चों, पे अटेंशन, अब मुझे जानना है कि टीसीएस इज लिस्टेड कंपनी, तो टीसीएस की बेसिक डिटेल्स, शेयर प्राइस वगैरह, वो तो मुझको मनी कंट्रोल पे मिल जाएगा, ओके। लॉक वाले फीचर्स फिर हम लोग देख सकते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज एक बार लॉग इन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अभी मैं लॉग इन कर चुका हूँ, तो बस तुम्हारे अगर मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ एडवांस सर्च, ओके अभी चेक करो एमसीए 21 एरर पेज, 21 क्या था, 21st सेंचुरी रहेगा, कुछ भी रहेगा पता नहीं, ओके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग चेक करेंगे, यस तेजू करेंट, तो ये गवर्नमेंट वेबसाइट है आफ्टर ऑल, तो कभी कभी होता है इनका, ओके तो छोड़ दो। इधर से हम लोग टीसीएस में थे हम लोग, और मैं यहाँ पे बंद कर चुका हूँ गलती से, मैं फटाक से उसको निकाल लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, हैव पेशेंस, हैव थोड़ा सा पेशेंस। मेरे को टीसीएस का ये चाहिए, क्या चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। तो किसी ने मुझको बोला कि सर आप मनी कंट्रोल पे जाओ, बात तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू माइट बी ऑब्वियसली नोइंग कि टाटा कंसल्टेंसी इज ऑब्वियसली एन आईटी कंपनी है ना, इट इज एन आईटी कंपनी, तो अगर तुमको थोड़ा सा बेसिक चाहिए होगा वो कंपनी के बारे में, ऑब्वियसली यू कैन गो टू मनी कंट्रोल, ओके। बट मुझको चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आई विल गो डायरेक्टली टू द सोर्स, आई विल गो डायरेक्टली टू द सोर्स, एज फार एज पॉसिबल गो डायरेक्टली टू द सोर्स ओनली, ओके। सो इज दिस अ, बच्चों माई क्वेश्चन, इज दिस अ पब्लिक कंपनी, जल्दी बोलो, टीसीएस इज अ पब्लिक कंपनी हाँ या ना, टीसीएस इज अ पब्लिक कंपनी हाँ या ना, पब्लिक है एज वेल एज इट इज अ लिस्टेड कंपनी, करेक्ट, इट इज अ पब्लिक एज वेल एज लिस्टेड कंपनी, ओके। कॉमन सेंस थोड़ा सा आई होप तुमको पता है, एज सुन एज आई से लिस्टेड कंपनी, वो पब्लिक कंपनी होता ही है, उसको चेक करना है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो मैं डायरेक्टली सोर्स पे जाऊंगा ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वेबसाइट अगर मेरे पास बुक मार्क है तो ठीक, अदरवाइज मैं मनी कंट्रोल के बजाय मैं डायरेक्टली जाऊंगा उनके वेबसाइट पे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का आना चाहिए होपफुली, यस tcs.com है, tcs.com, ओके एवरीवन, ओके डलिया। तो विकीपीडिया ये वो सब ठीक है, मैं यहाँ पे जा आईटी कंपनी है, मैंने क्लिक किया टीसीएस के ऊपर। नाउ वन ऑफ द थिंग्स अगेन आई एम टेलिंग यू समथिंग डिफरेंट, ओके वो मैं तुमको बता रहा हूँ कि कोई भी वेबसाइट के ऊपर मतलब कोई भी कंपनी, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली लिस्टेड कंपनी, कोई भी डायरेक्टली लिस्टेड कंपनी, कितना बड़ा कंपनी यार वो है ना, उसका खुद का वेबसाइट तो होने ही वाला है, दैट इज वन थिंग। एंड नाउ व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड द फाइनेंशियल, इवन आई एम टॉकिंग ऑफ IRCTC, इवन आई एम टॉकिंग ऑफ इंडियन रेल कॉर्पोरेशन वाला, ओके ट्रेडिंग जो भी IRCTC करेक्ट है, तो वो सभी कंपनीज का खुद के वेबसाइट्स है, वो सभी एवरी ऑफ दिस कंपनीज का तुमको कहाँ पे मिलेगा उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑलवेज गो ऑन इन्वेस्टर रिलेशंस, हमेशा हमेशा दिख रहा तुमको टॉप लेफ्ट पे, अभी हर एक वेबसाइट के अलग यहाँ वहाँ रहेगा आइकॉन, बट हमेशा गो ऑन इन्वेस्टर रिलेशंस, ऑलवेज गो ऑन इन्वेस्टर रिलेशंस, समझा कि नहीं सभी को, ओके मैं गया इन्वेस्टर रिलेशंस के ऊपर, नो प्रॉब्लम, ओके। तो उनका एनुअल रिपोर्ट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रेडी और अवेलेबल फॉर 2020 के लिए, व्हेन दे आर यूजिंग द वर्ड 2020 इट मींस फाइनेंशियल ईयर 1920, अब उनका एजीएम होगा जो भी है ऑल ऑफ दैट, तो मैं यहाँ पे करूंगा फाइनेंशियल 2020 दिख रहा है तुमको एनुअल रिपोर्ट, उसमें मैं जाऊंगा डाउनलोड के ऊपर, इसके ऊपर भी हम लोग एक पूरा एक अलग सेशन ले रख सकते हैं, पता है कि जस्ट टू रीड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, लिस्टेड कंपनी, समझ रहे हो, मजेदार हो जाएगा, मजेदार। अभी है चेक करो सब लोग, एवरीवन कैन सी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का, ओके अगर ये शायद तुमको टॉप में शायद दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं, इट इज 339 पेजेस लॉन्ग एनुअल रिपोर्ट, ऑब्वियसली हम लोग सब नहीं जाने वाले है ना, तो आई जस्ट गिव यू एन इंडेक्स कि भाई ये पूरे 339 पेजेस पे क्या क्या होने वाला है, मैं तुमको जस्ट बेसिक में तुमको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। तो इट इज अबाउट TCS बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दिख रहा है तुमको लेफ्ट में, यहाँ पे क्लिक होगा कि नहीं, मैनेजमेंट टीम, लेटर ऑफ द चेयरमैन, लेटर ऑफ सीईओ, टाइम पास, ओके
और फिर हम लोग आएंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट सीएफएस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये तुम्हारे सभी सिलेबस में है सीए इंटरमीडिएट के आगे। ओके, सीए इंटरमीडिएट के आगे सब कुछ है। दिस इज योर एनुअल रिपोर्ट, बैलेंस शीट है, पीएनएल है, सब कुछ है, कंसोलिडेटेड है एज वेल एज स्टैंड अलोन भी है, ऑडिटर्स का रिपोर्ट, एवरीथिंग। अनकंसोलिडेटेड मतलब तुम्हारा, अनकंसोलिडेटेड मतलब तुम्हारा स्टैंड अलोन। यस एवरीबॉडी क्लियर? वो भी सेशन हम लोग करेंगे सीएफएस, ऑल ऑफ दिस सेक्शन 129 दिख रहा है तुमको, ये सब कुछ तुम्हारे सिलेबस में है। इट इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल गाइस, समझा के नहीं? यस फाइन। सो माय अगेन सिंपल क्वेश्चन प्लीज, अभी नाउ कीप इन माइंड, तुम्हारे एक बहुत बेसिक क्लियर होने वाला है आज। इज दिस अ लिस्टेड कंपनी, इज दिस अ पब्लिक कंपनी, टीसीएस इज अ पब्लिक कंपनी? यस। ओके, वहां पे आंसर तुम्हारा खत्म है। यस, हाउ टू रीड इट? यस। तो माय क्वेश्चन इज, कैन अ पब्लिक कंपनी होल्ड अ प्राइवेट कंपनी, मतलब कैन होल्ड, कैन अ पब्लिक कंपनी होल्ड मेजोरिटी ऑफ द वोटिंग राइट्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी? आंसर इज यस। मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि कैन अ प्राइवेट कंपनी, दूसरा को दूसरा एग्जाम्पल, कैन अ प्राइवेट कंपनी होल्ड मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी? ये मेरा क्वेश्चन था, याद आ रहा है तुमको? प्राइवेट कंपनी होल्ड कर रहा है पब्लिक कंपनी को, समझा कि नहीं समझा? यस। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ योर टीसीएस कंपनी का। यस, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली फाइंड ही करता हूँ। बहुत सारी चीजें बच्चों, मतलब सीखने के लिए, देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ, ओके, इट विल टेक सम टाइम, बहुत बड़ा है ये, तब तक मैं तुमको, हाँ चलो। यस, एवरीवन कैन सी योर शेयर होल्डिंग पैटर्न, पॉइंट नंबर 4, एवरीवन कैन सी? यस, शेयर होल्डिंग पैटर्न, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड यहाँ पे है। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर दैट इज 1 अप्रैल 2019 एंड नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर दैट इज मार्च 2020। मतलब ये कौन सा स्टेटमेंट है? ये तुम्हारा चेंजेस इन इक्विटी वाला, चेंजेस इन इक्विटी वाला है, हाँ या ना? करेक्ट लियो? ओके, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे लिख रहा 72%, एवरीवन कैन सी टोटल परसेंटेज? थोड़ा जूम करूँ क्या? मुकुंद नायक, जस्ट नाउ आई शोड यू टीसीएस एज अ पब्लिक कंपनी, भूल गए क्या? ये क्या था, तुम्हारा ध्यान नहीं है बच्चों? टीसीएस मुकुंद, तुम्हारा ध्यान नहीं है? टीसीएस यहाँ पे दिखा आरुषि के डेटा में, पब्लिक कंपनी है या नहीं? फिर से मत पूछना, दोबारा मत पूछना। एंड इज इट अ लिस्टेड कंपनी? दैट इज अ सेपरेट थिंग, यस इट इज ऑल्सो लिस्टेड। तेजी बोली, जूम करो, जूम बराबर, जूम बराबर। ओके, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे कॉलम दिख रहा है तुमको, टोटल परसेंटेज ऑफ टोटल शेयर्स, 72% ऑफ टीसीएस आर हेल्ड बाय बॉडीज कॉर्पोरेट, दिख रहा है? इट इज अ कैटेगरी, इट इज अ कैटेगरी, हाँ या ना? और इज इट अ लिस्टेड, इज इट अ लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे है ना? मतलब तुम्हारे रिटेल इन्वेस्टर्स भी रहेंगे, तुम्हारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी रहेंगे, म्यूचुअल फंड्स हो गए, कोई बड़े बड़े फंड्स हो गए, वो कर रहे हैं होल्डिंग, एज वेल एज तुम्हारे मेरे जैसे रिटेलर्स भी हैं, हाँ या ना? तो 72% ऑफ द कंपनी कौन होल्ड कर रहा है? बॉडीज कॉर्पोरेट। यस, आगे बढ़ते फिर हम लोग, 100% तक जाना पड़ेगा ना। 2.6% ऑफ टीसीएस इज हेल्ड बाय म्यूचुअल फंड्स अदरवाइज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक 0.1%, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 0.1%, बाद में कौन है ये, इंश्योरेंस कंपनीज के पास 5.3%। हंस रहे हो सब लोग? कौन हंस रही है? गुड़िया हंस रही है, गुड़िया बस हंसने का ही काम कर रही है। एफपीआई फॉरेन के लोग भाई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, कितना, 15.7%, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और तुम्हारे मेरे जैसे लोग 3%, है ना? सो बॉडी कॉर्पोरेट्स के बाद बाहर के नॉन इंस्टीट्यूशनल 0.3, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होल्डिंग नॉमिनल शेयर कैपिटल अप टू ₹1 लाख, फेस वैल्यू है ये, कितना, 3%, समझा सभी को? ओके, परम बोल रहा है यस, डीम्ड पब्लिक कंपनी। ओके फाइन, आगे बढ़ते फिर हम लोग। यस एवरीवन, तो ये बाकी मतलब तुमको समझ गया कि भाई ऐसे कैसा तुम्हारा टोटल शेयर होल्डिंग है 100% वाला। यस एवरीवन, ओके डल जाओ। यस ओके, टैन टैन। अब हम लोग आएंगे वो 72% में कौन कौन है, 72% में कौन कौन है। ओके, हम लोग अगले पेज पे जा रहे हैं, अगले पेज पे जा रहे हैं। शेयर होल्डिंग ऑफ प्रोमोटर्स इंक्लूडिंग प्रोमोटर ग्रुप, टीसीएस का प्रोमोटर, प्रोमोटर मतलब मेजोरिटी शेयर होल्डर कौन है, वो 72% याद आ रहा है, 72%। यस, दिखा है, देखे हम लोग, चेक करो, कैन यू चेक नाउ? शायद मेरे शोल्डर के पीछे जा रहा है लेफ्ट में, कैन यू चेक नाउ? हमको अन अकेडमी के बारे में भी देखना है क्या? अन अकेडमी के बारे में भी? काजल बहुत लेट, जब सेशन खत्म होता तब तुम आती हो। देखा 72%, 72% में टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड,
प्रमोटर के पास है 72%। यस, गुड मॉर्निंग। टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, बाकी सभी तुम्हारे लिमिटेड मतलब पब्लिक कंपनी है। टाटा सन्स इज द मेजोरिटी होल्डर 72%। यस, प्राइवेट लिमिटेड है वो, समझा? तो हम लोग क्विकली क्विकली लास्ट टू रैप अप दिस सेशन, वी विल टेक व्हाट टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ऑन एमसीए के वेबसाइट पे। टीसीएस कब इनकॉर्पोरेट हुआ? 1995 में, है ना? हाँ या ना? टीसीएस इनकॉर्पोरेट हुआ 1995 में। तो हम लोग क्विकली देख लेंगे भाई कि टाटा सन्स की क्या स्टोरी थी, क्विकली। ओके, व्हाट एवर इज अवेलेबल एज ऑन द एमसीए वेबसाइट। सबसे तुम्हारा मिथ, आज का तुम्हारा मिथ क्या बोलते हैं, क्लियर हुआ? टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की, वेदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन कंट्रोल अ पब्लिक कंपनी। अरे पब्लिक छोड़ो, लिस्टेड कंपनी भी कंट्रोल कर सकती है वो, समझा कि नहीं? तुम्हारा आज बहुत बड़ा डाउट क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो मुझको, कुछ अलग समझाया नहीं? हम लोगों ने सेलिब्रिटीज भी ढूंढ लिया, एज वेल एज कुछ अच्छा भी चीजें कर ली हम लोगों ने आज, है ना बच्चों? मजा आया कि नहीं यार? गुड़िया बोली हाँ सर, देखो अनअकैडमी का। तो दिस इज योर सन, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई रजिस्टर्ड ऑफिस है। आई थिंक तुमको थोड़ा सा शायद समझ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर काफी पुराना दिख रहा है शायद कंपेयर टू अदर कंपनीज। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स नॉन गवर्नमेंट है, क्लास ऑफ कंपनी बच्चों क्या है? इट इज अ प्राइवेट कंपनी, है ना? फिर से, दीज आर अगेन बिग नंबर्स, ऑथोराइज कैपिटल एंड पेड कैपिटल आर बिग नंबर्स अगेन कंपेरेटिवली। ये चेक करो बच्चों यार, ये चेक करो, ये है ना कुछ लेगेसी या फिर हिस्ट्री ऑफ टाटा सन्स 1917, है ना? 1956 के भी पहले के वाले प्रीवियस कंपनी लॉ में वो उसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। इट इज अ सेंचुरी ओल्ड कंपनी नाउ, प्राइवेट कंपनी। कितना मस्त काम है यार, प्राइवेट कंपनी के ऊपर बहुत सारे एग्जम्पशंस है, कंप्लायंसेस नहीं है। अब प्राइवेट कंपनी, उनको ज्यादा डिस्क्लोज करना भी नहीं है ना? वो डिस्क्लोज भी नहीं, प्राइवेट है वो, आफ्टर क्लोजली हेल्ड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, बट उसके अंदर कितना बड़ा ब्रांच है ये लिस्टेड कंपनीज का और पब्लिक कंपनीज का। इट्स एंटायर मतलब ग्रुप ऑफ कंपनीज इज कंट्रोल्ड बाय अ प्राइवेट कंपनी। यस एवरीवन टेल यू, तो उनके भी खुद बहुत सारे कम चार्जेस हैं, मोस्ट ऑफ देम आर क्लोज्ड, बस आई थिंक एक या दो ही ओपन है, एक या दो ही ओपन है यहाँ पे। यस एवरीवन, ओके टेल यू, क्लीन क्रिएटर टू एफडी एंड ऑल ऑफ दैट। ऑल द कंपनीज ऑफ टाटा आर अंडर, यू कैन से, कंट्रोल ऑफ टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। इसमें से ही साइरस मिस्त्री को निकाला था, याद आ रहा है? इनकॉर्पोरेट 1917, तो 1882 वाला परफेक्ट बोला चिन्मय ने, दैट इज द प्रीवियस कंपनी लॉ। एंड जो मेन होल्डिंग तुम्हारा, मतलब अभी मेन जो होल्डिंग कंपनी विच इज एक्चुअली ए प्राइवेट कंपनी, उसका तुम्हारे केएमपी तुम्हारे सामने है। तो पूरा टाटा ग्रुप को कौन चला रहा है एज सच, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, चेक करो। मुखोपाध्याय, पिरामल, मनवानी, श्रीनिवासन, चंद्रशेखरन, भट्ट, अग्रवाल, कपाड़िया, स्पेट एंड खंबाटा। एवरीवन गॉट इट? यस, कुछ मजा आया कि नहीं बच्चों आज? मेरे को लिटरली बताओ, कुछ दिल से बताओ, कुछ काम में आया, मजा आया, कुछ समझा तुमको सभी को? यस, पसंद आया तो ऑब्वियसली वीडियो को तो लाइक करना है तुमको, शेयर करो सभी के साथ कि भाई डिड यू नो ऑल ऑफ दिस, डिड यू नो ऑल ऑफ दिस। सो टुडे इज होमवर्क फॉर यू, अदरवाइज व्हाट आई एम लीविंग यू टुडे विद दिस सेशन इज कि भाई कीप ऑन सर्चिंग, कीप ऑन रिसर्चिंग नाउ। तुम्हारे जो भी क्वेश्चन है या तुम्हारे हाथ में आज मोबाइल है, ऑब्वियसली माई वर्क इज टू टेल यू कि कहाँ पर क्या देखना है ना, तो तुम भी खुद देख सकते हो आज। तो लॉग इन आई डी क्रिएट करो, अब ढूंढो, अब मैं तो तुमको मैं चैलेंज कर, ढूंढो अनअकैडमी का, ढूंढो इसका, ढूंढो उसका भी, ढूंढो, चलो ढूंढो शाहरुख खान का, ढूंढो सेलिब्रिटीज का, ढूंढो बड़े बड़े कंपनीज का, ढूंढो ऑल ऑफ इट यार, चेक करो ना। लिटरली द स्काई इज द लिमिट ऑफ चेकिंग मल्टीपल थिंग्स, इजंट इट गाइस? आई होप यू लाइक द सेशन माय बॉयज एंड गर्ल्स, आई होप यू लाइक इट, है ना? तो फटाक से यार मस्त कमेंट करो, नॉट ऑन लाइव चैट, नॉट ऑन लाइव चैट, कमेंट बाद में करना, मस्त वीडियोज अपलोड की तुमको कैसा आया। और प्लीज शेयर करो ये वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, व्हाट्सएप स्टोरी करो, इंस्टाग्राम स्टोरी करो, नीरज नीरज डी माजुम उसको सर्च करो, टैग करो, टेल मी द फीडबैक गाइस, टेल मी द फीडबैक, है ना? मजा आया? चलो गाइस, हम लोग बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें करने वाले हैं। सो हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस, चलो टेक केयर, बाय बाय, सी यू लेटर्स, है ना? आज दोपहर में 3:30 बजे अपना सेशन है ऑन अनअकैडमी चैप्टर 7 रिवीजन ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बाय बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे अहेड, आई होप यू लाइक इट, एंजॉयड इट, टाटा, बाय बाय।